हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं, साथ ही इस मूवी के जो भी फैक्ट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारा जो चैनल है, इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑडियंस के रिव्यू के वीडियो हम आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर रिलीज किया गया था। अब बात करें इस मूवी के अंदर कास्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विन डीजल, जॉन सिन्हा और जॉर्डिना और इसके अंदर ट्राइस जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर आप लोगों को नजर आए हैं। वहीं बात की जाए इस मूवी के अंदर कैटेगरी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर जो कैटेगरी मिली है वो मिली है एक्शन और एडवेंचर कैटेगरी की मिली है। 2 घंटे और 25 मिनट की यह मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है। इसको 25 जून 2021 को यूएसए के अंदर रिलीज किया गया था, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है। इसको जो रेटिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उस मूवी को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। जैसे कि इसके पहले 8 पार्टों के अंदर इसको जो ऑडियंस का प्यार मिला है, वैसा ही इसके 9वें पार्ट को भी वैसा ही प्यार में देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके क्रिटिक्स रिव्यू की, तो क्रिटिक्स ने भी इसको भरपूर प्यार दिया है। वहीं इसके ऑडियंस रिव्यू ने इसको जमकर काफ़ी काबिले तारीफ, इसमें जो एक्शन सीन है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ हैं। वो तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जो 8वां पार्ट है, जिसके बारे में इसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं। जहाँ इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है IMDb पर, और साथ ही इसकी जो क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी जो रेटिंग दी है, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं इसके अंदर। वहीं बात करें इसके अंदर जो एक्टिंग है, साथ ही इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। F9 मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 9 है, इससे पहले के जो 8 पार्ट रिलीज हुए थे वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है। आई कॉन नॉट वेट टू वॉच द लेटेस्ट एंड मास्टरपीस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी दैट हैज़ ये डिफाइंड माई चाइल्डहुड। यू कैन से वार्निंग स्पॉयलर एंड यू कैन से द लेटेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी हैज़ फाइनली ब्रोकन द मोल्ड अगेन एंड अगेन सेटअप। फास्ट एंड फ्यूरियस सागा नेवर डिसअपॉइंटेड एनी हु वॉचेज इट एज इट्स नॉट जस्ट सम एक्शन फेल्ड सागा, इट्स श्योर प्रोवाइड द पावर ऑफ द फैमिली एंड हाउ यू कैन से इट डिजर्व्स वन रियली आई हैव वॉच द सिंस F1 एंड द सीरियस जस्ट गेट मोर रिडिकुलस एवरी इंस्टॉलमेंट। सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी बियर ऑफ बैड न्यूज, दिस मूवी वॉज वन ऑफ द माई फेवरेट। क्या आपकी भी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी फेवरेट है, तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। हु न्यू दैट द स्टोरी ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल स्ट्रीट रेसिंग एंड द स्टीलिंग स्मॉल एंड मटेरियल विल बी ए बिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्टर। तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर काफ़ी काम किया है। आई गेंड ए हेड एज ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी, आई हैव बीन वॉच द फर्स्ट मूवी सिंस आई वॉज द यंग, माई पेरेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट टू मी, बट दिस मूवी शुड नॉट एग्जिस्ट। द मूवी फेल्ट क्यूज हु नेवर रोड दिस इज पुअर, यू कैन से इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। फास्ट एंड फ्यूरियस वॉचिंग एक्शन मूवी हैज़ ऑलवेज बीन द थिंग्स ऑफ द जॉय ऑफ मी, इट हैज़ बीन द मेन ऑफ मूवी अवे फ्रॉम द रियलिटी बेस एंड ऑन द काइंड ऑफ द स्ट्रेस पीपल हु गो थ्रू इन द कंट्री। You can say well this pretty much and you can say I expected it has been very I have been nobody never watched this movie because they were realistic and if you are did early in the real car you can say Fast and Furious 9 the Fast Saga is one of the best Fast and Furious film। आपको लेकर यह मूवी कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वेल फर्स्टली दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड हु इज एंड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस फैन फ्रॉम द फर्स्ट रिलीज अंटिल नाउ दिस इज़ द फर्स्ट डिसअपॉइंटेड। यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म इन द मूवी हिस्ट्री और एवरी सीन्स इन द ड्रॉन द टाइम एवरी वन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हैज़ बीन लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट दिस यू कैन से आई हैव बीन
Honestly, it was the most people have come the expect from the first franchisee. You can I am a fan, the family of the setting, the love for the each every. I love Fast and Furious 9 really. I don't know what to say. That was the most, or you can say I was very happy to see this type of movie when I saw the trailer. 1K physics and the logic, you can say. This movie is definitely the good movie and of year 2020-21. I have been a big fan of the franchise since the beginning, and you can together into the watch movie. There is the certainty enough talent for the least some, you can say, actor actress to have the great cast, and I felt times like the talent was walking the well-worn path, and they may be that the problem action the comfortable to us the family. Hopeful someone is paying attention. First of Fast and Furious is the one of the best film of the series. Talking about F9, this is the fabulous movie to watch. The really amazing direction, story, visuals, effect, car, and the most appreciate things a family high can come back with the biggest thrill. तो जल्दी इस मूवी का जो 10 पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा. इस मूवी को जो ऑडियंस लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो इसी वीडियो के अंदर हम आपसे साझा की है. और अगर आप किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के पहले के रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ साथ दूसरों की वीडियो को भी कवर करने की कोशिश की जाएगा. देख सकते हैं मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द सागा एंड द यू कैन द थिएटर्स और यू कैन से एक्शन रेसिंग थ्रिलर. इसकी जो रेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रेटिंग है. वेल वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी विथ द मिक्स्ड रिएक्शंस. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन टू नो हिस्ट्री ऑफ द वॉचिंग प्रीवियस मूवी एंड यू कैन से इट इज़ वेरी गुड मूवी. और इस पे वीडियो से पहले हमने भी और भी मूवी से रिलेटेड वीडियो की इसके अंदर आप लोगों से कवर करने की कोशिश की है, जिनका जाकर आप लोग उठा सकते. ओके सो यू कैन कुड एक्सपेक्ट लग्जरी कार्स बिंग्स एंड यू कैन से आई पर्सनली लव हाउ एक्शन पैकेज एंड ओवर द टॉप एंड क्रिटिक्स यू कैन से जेम्स बॉन्ड इन द हुड मैट फ्रॉम रोजर मूवी एंड रिव्यू एग्री विथ मी स्टार्स एंड द कंटिन्यू विद द यू कैन से दिस स्टंट हैव ऑलवेज बीन विद यू कैन से एट वन पॉइंट ऑफ द मूवी रोमन हैड 5 guys जस्ट बिहाइंड हिम शूटिंग ऑटोमेटिक. आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी बट इट सीम्स लाइक टू कीपिंग गेटिंग यू कैन से वर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द आई हैव नाउ वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच इट. आपने यह मूवी कहाँ पर देखी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कंट्री के अंदर आपने यह मूवी देखी. आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी. दिस वॉज द माई फर्स्ट मूवी बैक इन द थिएटर्स इन 14 months. फर्स्ट ऑन फायर इज 9 एंड यू कैन सी इट इज़ अ वेरी गुड मूवी. सो इट इज़ ऑब्वियसली टू सी फास्ट एंड फ्यूरियस. डू नॉट डू मूवी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार सीन्स एंड द टाइप्स ऑफ आई गेव द मूवी 5 stars. और आपके अकॉर्डिंग इसको कितने क्या स्टार मिलने चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइए. आपके हमारे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 5 stars मिलने चाहिए, जिस हिसाब से इसमें जो एक्शन सीन परफॉर्म किए गए हैं. फास्ट एंड फ्यूरियस जस्ट कीप गेटिंग बेटर एवरी टाइम एंड इट इज़ आल्सो मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम. और यह थैंक यू फॉर यू कैन से माई ओपिनियन वॉज माई रेटिंग इज 5 out of 5 एंड द डायरेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर इन दिस मूवी आर गुड. इट इज़ अ मैसिव वैन डीजल. तो ये वैन डीजल की सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है साल 2021 की. इससे पहले भी वैन डीजल ने 8 पार्टों के अंदर काम किया, उसमें भी उसकी काफ़ी काबिल तारीफ एक्टिंग रही. वन ऑफ द हार्ड फ्रॉम मी टाइप ऑफ बिकॉज आई थॉट नो मैटर व्हाट दे एंड आई वॉच दिस लास्ट नाइट एंड यू आई लव गिव 5 out of 5 द विजुअल्स दे गिव दिस इज वर्जन इज ऑलमोस्ट बी बैड एज यू कैन से द बेस्ट फ्रेंचाइज एवर मेड. थैंक यू गाइज. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी. यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं, साथ ही इस मूवी के जो भी फैक्ट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. साथ ही हमारा जो चैनल है इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑडियंस के रिव्यू के वीडियो हम आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं. तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए. अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर रिलीज किया गया था. अब बात करें इस मूवी के अंदर कास्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विन डीजल, जॉन सिन्हा
और जॉर्डिना और इसके अंदर ट्राइज जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर आप लोगों को नजर आए हैं। वहीं बात की जाए इस मूवी के अंदर कैटेगरी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर जो कैटेगरी मिली है वो मिली है एक्शन और एडवेंचर कैटेगरी की मिली है। 2 घंटे और 25 मिनट की यह मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है। इसको 25 जून 2021 को यूएसए के अंदर रिलीज़ किया गया था, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है। इसको जो रेटिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उस मूवी को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। जैसे कि इसके पहले 8 पार्टों के अंदर इसको जो ऑडियंस का प्यार मिला है, वैसा ही इसके 9वें पार्ट को भी वैसा ही प्यार में देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके क्रिटिक्स रिव्यू की, तो क्रिटिक्स ने भी इसको भरपूर प्यार दिया है। वहीं इसके ऑडियंस रिव्यू ने इसको जमकर काफ़ी काबिले तारीफ, इसमें जो एक्शन सीन है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ हैं। वो तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जो 8वां पार्ट है जिसके बारे में इसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं। जहाँ इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है IMDb पर, और साथ ही इसकी जो क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी जो रेटिंग दी है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं इसके अंदर। वहीं बात करें इसके अंदर जो एक्टिंग है, साथ ही इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। F9 मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 9 है, इससे पहले के जो 8 पार्ट रिलीज हुए थे वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है। आई कॉन्ट नॉट वेट टू वॉच द लेटेस्ट एंड मास्टर पीस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी दैट हैज़ ये डिफाइंड माई चाइल्डहुड। यू कैन से वार्निंग स्पॉयलर एंड यू कैन से द लेटेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी हैज़ फाइनली ब्रोकन द मोल्ड अगेन एंड अगेन सेटअप। फास्ट एंड फ्यूरियस सागा नेवर डिसअपॉइंटेड एनी हु वॉचेज इट हैज इट्स नॉट जस्ट सम एक्शन फिल्ड सागा, इट्स श्योर प्रोवाइड द पावर ऑफ द फैमिली एंड हाउ यू कैन से इट डिजर्व्स वन। रियली आई हैव वॉच द सिंस F1 एंड द सीरियस जस्ट गेट मोर रिडिकुलस एवरी इंस्टॉलमेंट। सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी बियर ऑफ बैड न्यूज़, दिस मूवी वॉज वन ऑफ द माई फेवरेट। क्या आपकी भी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी फेवरेट है तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। हु न्यू दैट द स्टोरी ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल स्ट्रीट रेसिंग एंड द स्टीलिंग स्मॉल एंड मटेरियल विल बी ए बिलियंस डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्टर। तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर काफ़ी काम किया है। आई एंड ए हेड एच ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी, आई हैव बीन वॉच द फर्स्ट मूवी सिंस आई वॉज द यंग, माई पेरेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट टू मी, बट दिस मूवी शुड नॉट एग्जिस्ट। द मूवी फेल्ट क्यूज हु नेवर रोड दिस इज पुअर, यू कैन से इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। फास्ट एंड फ्यूरियस वॉचिंग एक्शन मूवी हैज़ ऑलवेज बीन द थिंग्स ऑफ द जॉय ऑफ मी, इट हैज़ बीन द मेन ऑफ मूवी अवे फ्रॉम द रियलिटी बेस एंड ऑन द काइंड ऑफ द स्ट्रेस पीपल हु गोट थ्रू इन द कंट्री। You can say well this pretty much and you can say I expected it has been very I have been nobody never watched this movie because they were realistic and if you are did early in the real car you can say Fast and Furious 9 the Fast Saga is one of the best Fast and Furious film। आपको लेकर यह मूवी कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वेल फर्स्टली दिस इज नॉट वाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड हु इज एंड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस फैन फ्रॉम द फर्स्ट रिलीज अंटिल नाउ दिस इज द फर्स्ट डिसअपॉइंटेड। यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म इन द मूवी हिस्ट्री और एवरी सीन्स इन द ड्रॉन द टाइम एवरी वन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हैज़ बीन लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट दिस यू कैन से आई हैव बीन Honestly, it was the most people have come the expect from the first franchise. You can say, I am a fan the family of the setting the love for the each every I love Fast and Furious 9 really I don't know what to say that was the most or you can say I was very happy to see this type of movie when I saw the trailer 1K physics and the logic you can say This movie is definitely the good movie and of year 2020-21. I have been a big fan of the franchise since the beginning and you can together into the watch movie. There is the certainty and a talent for the list. Some you can see actor, actress to have the great cast and I felt times like the talent
वॉज वॉकिंग द वेल वॉर्न पाथ एंड द मे बी दैट द प्रॉब्लम एक्शन द कम्फर्टेबल टू अस द फैमिलिटी होपफुल सम वन इज पेइंग अटेंशन। फर्स्ट ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस इज द वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ द सीरीज। टॉकिंग अबाउट F9, दिस इज द फेबुलस मूवी टू वॉच द रियली अमेजिंग डायरेक्शन स्टोरी विजुअल्स इफेक्ट कार एंड द मोस्ट अप्रिशिएट थिंग्स अ फैमिली हाई कैन कम बैक विद द बिगेस्ट थ्रिल। तो जल्द ही इस मूवी का जो 10 पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस मूवी को जो ऑडियंस लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो इसी वीडियो के अंदर हम आपसे साझा की है। और अगर आप किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के पहले के रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ साथ दूसरों को वीडियो को भी कवर करने की कोशिश की जाएगा। देख सकते हैं मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द सागा एंड यू कैन द थिएटर्स और यू कैन से एक्शन रेसिंग थ्रिलर। इसकी जो रेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रेटिंग है। वेल वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी विथ द मिक्स्ड रिएक्शंस। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन टू नो हिस्ट्री ऑफ द वॉचिंग प्रीवियस मूवी एंड यू कैन से इट इज़ वेरी गुड मूवी। और इस पर वीडियो से पहले हमने भी और भी मूवी से रिलेटेड वीडियो की इसके अंदर आप लोगों से कवर करने की कोशिश की है, जिनका जाकर आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। ओके सो यू कैन कुड एक्सपेक्ट लग्जरी कार्स बिंग्स एंड यू कैन से आई पर्सनली लव हाउ एक्शन पैकेज एंड ओवर द टॉप एंड क्रिटिक्स यू कैन से जेम्स बॉन्ड इन द हुड मैट फ्रॉम रोजर मूवी एंड रिव्यू एग्री विथ मी स्टार्स एंड द कंटिन्यू विद द यू कैन से दिस स्टंट हैव ऑलवेज बीन विद यू कैन से एट वन पॉइंट ऑफ द मूवी रोमन हैड 5 guys जस्ट बिहाइंड हिम शूटिंग ऑटोमेटिक। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी बट इट सीम्स लाइक टी कीपिंग गेटिंग यू कैन से वर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द आई हैव नाउ वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच इट। आपने यह मूवी कहाँ पर देखी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा और कौन सी कंट्री के अंदर आपने यह मूवी देखी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी दिस वॉज द माई फर्स्ट मूवी बैक इन द थिएटर्स इन 14 months फर्स्ट ऑन फायर इज 9 एंड यू कैन सी इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। सो इट इज़ ऑब्वियसली टू सी फास्ट एंड फ्यूरियस डू नॉट डू मूवी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार सीन्स एंड द टाइप्स ऑफ आई गेव द मूवी 5 star। और आपके अकॉर्डिंग इसको कितने क्या स्टार मिलने चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइए। आपके हमारे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 5 star मिलने चाहिए, जिस हिसाब से इसमें जो एक्शन सीन परफॉर्म किए गए हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस जस्ट कीप गेटिंग बेटर एवरी टाइम एंड इट इज़ आल्सो मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। और यह थैंक यू फुल यू कैन से माई ओपिनियन वाज माई रेटिंग इज 5 out of 5 एंड द डायरेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर इन दिस मूवी आर गुड। इट इज़ अ मैसिव वैन डीजल। तो ये वैन डीजल की सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है साल 2021 की। इससे पहले भी वैन डीजल ने 8 पार्टों के अंदर काम किया, उसमें भी उसकी काफ़ी काबिले तारीफ एक्टिंग रही। वन ऑफ द हार्ड फ्रॉम मी टाइप ऑफ बिकॉज आई थॉट नो मैटर व्हाट दे एंड आई वॉच दिस लास्ट नाइट एंड यू आई लव गिव 5 out of 5 द विजुअल्स दे गिव दिस इज वर्जन इज ऑलमोस्ट बी बैड एज यू कैन से द बेस्ट फ्रेंचाइज एवर मेड। थैंक यू गाइज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं, साथ ही इस मूवी के जो भी फैक्ट्स हैं सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारा जो चैनल है इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑडियंस के रिव्यू के वीडियो हम आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर रिलीज किया गया था। अब बात करें इस मूवी के अंदर कास्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विन डीजल, जॉन सिन्हा और जॉर्डिना और इसके अंदर ट्राइस जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर आप लोगों को नजर आए हैं। वहीं बात की जाए इस मूवी के अंदर कैटेगरी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर जो कैटेगरी मिली है वो मिली है एक्शन और एडवेंचर कैटेगरी की मिली है। 2 घंटे और 25 मिनट की यह मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है। इसको 25 जून 2021 को यूएसए के अंदर रिलीज किया गया था, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है। इसको जो रेटिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उस मूवी को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है।
जैसे कि इसके पहले 8 पार्टों के अंदर इसको जो ऑडियंस का प्यार मिला है, वैसा ही इसके 9वें पार्ट को भी वैसा ही प्यार में देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके क्रिटिक्स रिव्यू की, तो क्रिटिक्स ने भी इसको भरपूर प्यार दिया है। वहीं इसके ऑडियंस रिव्यू ने इसको जमकर काफ़ी कम मिले तारीफ। इसमें जो एक्शन सीन है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ़ हैं। वो तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जो 8 9वां पार्ट है, जिसके बारे में इसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं। जहाँ इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है IMDb पर, और साथ ही इसकी जो क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी जो रेटिंग दी है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं इसके अंदर। वहीं बात करें इसके अंदर जो एक्टिंग है, साथ ही इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। F9 मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 9 है, इससे पहले के जो 8 पार्ट रिलीज हुए थे वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है। आई कॉन नॉट वेट टू वॉच द लेटेस्ट एंड मास्टरपीस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी दैट हैज़ ये डिफाइंड माई चाइल्डहुड। यू कैन से वार्निंग स्पॉयलर एंड यू कैन से द लेटेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी हैज़ फाइनली ब्रोकन द मोल्ड अगेन एंड अगेन सेटअप। फास्ट एंड फ्यूरियस सागा नेवर डिसअपॉइंटेड एनी हु वॉचेज इट हैज़ इट्स नॉट जस्ट सम एक्शन फेल्ड सागा, इट्स श्योर प्रोवाइड द पावर ऑफ द फैमिली एंड हाउ यू कैन से इट डिजर्व्स वन रियली आई हैव वॉच द सिंस F1 एंड द सीरियस जस्ट गेट मोर रिडिकुलस एवरी इंस्टॉलमेंट। सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी बियर ऑफ बैड न्यूज़, दिस मूवी वॉज वन ऑफ द माई फेवरेट। क्या आपकी भी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी फेवरेट है तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। हु न्यू दैट द स्टोरी ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल स्ट्रीट रेसिंग एंड द स्टीलिंग स्मॉल एंड मटेरियल विल बी ए बिलियंस डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्टर। तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर काफ़ी काम किया है। आई एंड ए हेड एच ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी, आई हैव बीन वॉच द फर्स्ट मूवी सिंस आई वॉज द यंग, माई पेरेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट टू मी, बट दिस मूवी शुड नॉट एग्जिस्ट द मूवी फेल्ट क्यूज हु नेवर रोड दिस इज पुअर, यू कैन से इट इज़ द वेरी गुड मूवी। फास्ट एंड फ्यूरियस वॉचिंग एक्शन मूवी हैज़ ऑलवेज बीन द थिंग्स ऑफ द जॉय ऑफ मी, इट हैज़ बीन द मेन ऑफ मूवी अवे फ्रॉम द रियलिटी बेस एंड ऑन द काइंड ऑफ द स्ट्रेस पीपल हु गो थ्रू इन द कंट्री। You can say well this pretty much and you can say I expected it has been very I have been nobody never watched this movie because they were realistic and if you are did early in the real car you can say Fast and Furious 9 the Fast Saga is one of the best Fast and Furious film। आपको लेकर यह मूवी कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वेल फर्स्टली दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड हु इज एंड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस फैन फ्रॉम द फर्स्ट रिलीज अंटिल नाउ दिस इज द फर्स्ट डिसअपॉइंटेड। यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म इन द मूवी हिस्ट्री और एवरी सीन्स इन द ड्रॉन द टाइम एवरीवन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हैज बीन लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट दिस यू कैन से आई हैव बीन Honestly, it was the most people have come to expect from the first franchise. You can say, I am a fan, the family of the setting, the love for the each every. I love Fast and Furious 9 really. I don't know what to say. That was the most, or you can say, I was very happy to see this type of movie when I saw the trailer. 1K physics and the logic, you can say. This movie is definitely the good movie and of year 2020-21. I have been a big fan of the franchise since the beginning and you can together into the watch movie. There is the certainty enough talent for the list. Some you can say actor, actress to have the great cast and I felt times like the talent was walking the well-worn path and there may be that the problem action the comfortable to us the familiarity. Hopeful someone is paying attention. First of Fast and Furious is the one of the best film of the series. Talking about F9, this is the fabulous movie to watch. The really amazing direction, story, visuals, effect, car, and the most appreciated things a family high can come back with the biggest thrill. तो जल्दी इस मूवी का जो 10 पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस मूवी को जो ऑडियंस लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो इसी वीडियो के अंदर हम आपसे साझा की है,
और अगर आप किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के पहले के रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ साथ दूसरों को वीडियो को भी कवर करने की कोशिश की जाएगा। देख सकते हैं मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द सागा एंड यू कैन द थिएटर्स और यू कैन से एक्शन रेसिंग थ्रिलर। इसकी जो रेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रेटिंग है। वेल वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी विद द मिक्सड रिएक्शंस। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन टू नो हिस्ट्री ऑफ द वॉचिंग प्रीवियस मूवी एंड यू कैन से इट इज़ वेरी गुड मूवी। और इस पर वीडियो से पहले हमने भी और भी मूवी से रिलेटेड वीडियो की इसके अंदर आप लोगों से कवर करने की कोशिश की है, जिनका जाकर आप लुत्फ उठा सकते हैं। ओके सो यू कन कुड एक्सपेक्ट लग्जरी कार्स बिंग्स एंड यू कैन से आई पर्सनली लव हाउ एक्शन पैकेज एंड ओवर द टॉप एंड क्रिटिक्स यू कैन से जेम्स बॉन्ड इन द हुड मैट फ्रॉम रोजर मूवी एंड रिव्यू एग्री विथ मी स्टार्स एंड द कंटिन्यू विद द यू कैन से दिस स्टंट हैव ऑलवेज बीन विद यू कैन से एट वन पॉइंट ऑफ द मूवी रोमन हेड 5 का जस्ट बिहाइंड हिम शूटिंग ऑटोमेटिक। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी बट इट सीम्स लाइक टी कीपिंग गेटिंग यू कैन से वर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द आई हैव नाउ वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच इट। आपने यह मूवी कहाँ पर देखी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कंट्री के अंदर आपने यह मूवी देखी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी दिस वॉज द माई फर्स्ट मूवी बैक इन द थिएटर्स इन 14 months फर्स्ट ऑन फायर इज 9 एंड यू कैन सी इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। सो इट इज़ ऑब्वियसली टू सी फास्ट एंड फ्यूरियस डू नॉट डू मूवी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार सीन्स एंड द टाइप्स ऑफ आई गेव द मूवी 5 स्टार। और आपके अकॉर्डिंग इसको कितने क्या स्टार मिलने चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइए। आपके हमारे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 5 स्टार मिलने चाहिए, जिस हिसाब से इसमें जो एक्शन सीन परफॉर्म किए गए हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस जस्ट कीप गेटिंग बेटर एवरी टाइम एंड इट इज़ आल्सो मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। और यह थैंक यू फुल यू कैन से माय ओपिनियन वाज माय रेटिंग इज 5 out of 5 एंड द डायरेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर इन दिस मूवी आर गुड। इट इज़ अ मैसिव वैन डीजल। तो ये वैन डीजल की सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है साल 2021 की। इससे पहले भी वैन डीजल ने 8 पार्टों के अंदर काम किया, उसमें भी उसकी काफ़ी काबिले तारीफ एक्टिंग रही। वन ऑफ द हार्ड फ्रॉम मी टाइप ऑफ बिकॉज आई थॉट नो मैटर व्हाट दे एंड आई वॉच दिस लास्ट नाइट एंड यू आई लव गिव 5 out of 5 द विजुअल्स दे गिव दिस इज वर्जन इज ऑलमोस्ट बी बैड एज यू कैन से द बेस्ट फ्रेंचाइजी एवर मेड। थैंक यू गाइज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं, साथ ही इस मूवी के जो भी फैक्ट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारा जो चैनल है इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑडियंस के रिव्यू के वीडियो हम आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर रिलीज किया गया था। अब बात करें इस मूवी के अंदर कास्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विन डीजल, जॉन सीना और जॉर्डिना और इसके अंदर ट्राइस जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर आप लोगों को नजर आए हैं। वहीं बात की जाए इस मूवी के अंदर कैटेगरी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर जो कैटेगरी मिली है वो मिली है एक्शन और एडवेंचर कैटेगरी की मिली है। 2 घंटे और 25 मिनट की यह मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है। इसको 25 जून 2021 को यूएसए के अंदर रिलीज किया गया था, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है। इसको जो रेटिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उस मूवी को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। जैसे कि इसके पहले 8 पार्टों के अंदर इसको जो ऑडियंस का प्यार मिला है, वैसा ही इसके 9वें पार्ट को भी वैसा ही प्यार में देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके क्रिटिक्स रिव्यू की, तो क्रिटिक्स ने भी इसको भरपूर प्यार दिया है। वहीं इसके ऑडियंस रिव्यू ने इसको जमकर काफ़ी काबिले तारीफ, इसमें जो एक्शन सीन है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ हैं। वो तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जो 8 9वां पार्ट है उसके बारे में, इसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं। जहाँ इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है IMDb पर, और साथ ही इसकी जो क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी जो रेटिंग दी है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं इसके अंदर।
वहीं बात करें इसके अंदर जो एक्टिंग है, साथ ही इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। F9 मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 9 है। इससे पहले के जो 8 पार्ट रिलीज हुए थे वो भी काफ़ी काबिल-ए-तारीफ है। आई कॉन नॉट वेट टू वॉच द लेटेस्ट एंड मास्टर पीस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी दैट हैज़ डिफाइंड माई चाइल्ड हुड। यू कैन से वार्निंग स्पॉयलर एंड यू कैन से द लेटेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी हैज़ फाइनली ब्रोकन द मोल्ड अगेन एंड अगेन सेटअप। फास्ट एंड फ्यूरियस सागा नेवर डिसअपॉइंटेड एनी हु वॉचेज इट एज इट्स नॉट जस्ट सम एक्शन फिल्ड सागा, इट्स श्योर प्रोवाइड द पावर ऑफ द फैमिली एंड हाउ यू कैन से इट डिजर्व्स वन रियली आई हैव वॉच द सिंस F1 एंड द सीरियस जस्ट गेट मोर रिडिकुलस एवरी इंस्टॉलमेंट। सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी बियर ओ बैड न्यूज़, दिस मूवी वॉज वन ऑफ द माई फेवरेट। क्या आपकी भी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी फेवरेट है, तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। हु न्यू दैट द स्टोरी ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल स्ट्रीट रेसिंग एंड द स्टीलिंग स्मॉल एंड मटेरियल विल बी ए बिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्टर। तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर काफ़ी काम किया है। आई गेंड ए हेड एज ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी। आई हैव बीन वॉच द फर्स्ट मूवी सिंस आई वॉज द यंग, माई पेरेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट टू मी, बट दिस मूवी शुड नॉट एग्जिस्ट। द मूवी फेल्ट क्यूज हु नेवर रोड दिस इज पुअर, यू कैन से इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। फास्ट एंड फ्यूरियस वॉचिंग एक्शन मूवी हैज ऑलवेज बीन द थिंग्स ऑफ द जॉय ऑफ मी, इट हैज़ बीन द मेन ऑफ मूवी अवे फ्रॉम द रियलिटी बेस एंड ऑन द काइंड ऑफ द स्ट्रेस पीपल हु गो थ्रू इन द कंट्री। यू कैन से वेल दिस प्रीटी मच एंड यू कैन से आई एक्सपेक्टेड इट हैज़ बीन वेरी आई हैव बीन नोबडी नेवर वॉच दिस मूवी क्योज दे वर रियलिस्टिक एंड इफ यू आर डिड अर्ली इन द रियल कार यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द फास्ट सागा इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म। आपको लेकर यह मूवी कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वेल फर्स्टली दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड हु इज एंड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस फैन फ्रॉम द फर्स्ट रिलीज अंटिल नाउ दिस इज द फर्स्ट डिसअपॉइंटेड। यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म इन द मूवी हिस्ट्री और एवरी सीन्स इन द ड्रॉन द टाइम एवरी वन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हैज बीन लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट दिस यू कैन से आई हैव बीन ऑनेस्टली इट वॉज द मोस्ट पीपल हैव कम द एक्सपेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेंचाइजी। यू कैन आई एम ए फैन द फैमिली ऑफ द सेटिंग द लव फॉर द ईच एवरी आई लव फास्ट एंड फ्यूरियस 9 रियली आई डोंट नो वाट टू से दैट वॉज द मोस्ट और यू कैन से आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस टाइप ऑफ मूवी वैन आई सा द ट्रेलर 1K फिजिक्स एंड द लॉजिक। यू कैन से दिस मूवी इज़ डेफिनेटली द गुड मूवी एंड ऑफ ईयर 2020-21। आई हैव बीन ए बिग फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी सिंस द बिगनिंग एंड यू कैन टुगेदर इन टू द वॉच मूवी देर इज द सर्टिनिटी एंड अ टैलेंट फॉर द लिस्ट सम यू कैन से एक्टर एक्ट्रेस टू हैव द ग्रेट कास्ट एंड आई फेल टाइम्स लाइक द टैलेंट वॉज वॉकिंग द वेल वॉन पाथ एंड द मे बी दैट द प्रॉब्लम एक्शन द कम्फर्टेबल टू अस द फैमिलिटी हाउपफुल सम वन इज पेइंग अटेंशन। फर्स्ट ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस इज द वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ द सीरीज। टॉकिंग अबाउट F9 दिस इज द फेबुलस मूवी टू वॉच द रियली अमेजिंग डायरेक्शन स्टोरी विजुअल्स इफेक्ट कार एंड द मोस्ट अप्रिशिएट थिंग्स अ फैमिली हाई कैन कम बैक विद द बिगेस्ट। तो जल्दी इस मूवी का जो 10 पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस मूवी को जो ऑडियंस लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो इसी वीडियो के अंदर हम आपसे साझा की है। और अगर आप किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के पहले के रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ साथ दूसरों को वीडियो को भी कवर करने की कोशिश की जाएगा। देख सकते हैं मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द सागा एंड द यू कैन द थिएटर्स और यू कैन से एक्शन रेसिंग थ्रिलर। इसकी जो रेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रेटिंग है। वेल वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी विद द मिक्स्ड रिएक्शंस। इफ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन टू नो हिस्ट्री ऑफ द वॉचिंग प्रीवियस मूवी एंड यू कैन से इट इज़ वेरी गुड मूवी।
और इस पे वीडियो से पहले हमने भी और भी मूवी से रिलेटेड वीडियो की इसके अंदर आप लोगों से कवर करने की कोशिश की है, जिनका जाकर आप लुत्फ उठा सकते हैं। ओके सो यू कैन कुड एक्सपेक्ट लग्जरी कार्स बिंग्स एंड यू कैन से आई पर्सनली लव हाउ एक्शन पैकेज एंड ओवर द टॉप एंड क्रिटिक्स यू कैन से जेम्स बॉन्ड इन द हुड मैट फ्रॉम रोजर मूवी एंड रिव्यू एग्री विथ मी स्टार्स एंड द कंटिन्यू विद द यू कैन से दिस स्टंट हैव ऑलवेज बीन विद यू कैन से एट वन पॉइंट ऑफ द मूवी रोमन हैड फाइव का जस्ट बिहाइंड हिम शूटिंग ऑटोमेटिक आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी बट इट सीम्स लाइक कीपिंग गेटिंग यू कैन से वर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द आई हैव नाउ वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच इट। आपने ये मूवी कहाँ पर देखी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा और कौन सी कंट्री के अंदर आपने ये मूवी देखी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी दिस वॉज द माई फर्स्ट मूवी बैक इन द थिएटर्स इन 14 months फर्स्ट ऑन फाइव इज नाइन एंड यू कैन सी इट इज़ अ वेरी गुड मूवी सो इट इज़ ऑब्वियसली टू सी फास्ट एंड फ्यूरियस डू नॉट डू मूवी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार सीन्स एंड द टाइप्स ऑफ आई गेव द मूवी 5 स्टार और आपके अकॉर्डिंग इसको कितने क्या स्टार मिलने चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइए। आपके हमारे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 5 स्टार मिलने चाहिए, जिस हिसाब से इसमें जो एक्शन सीन परफॉर्म किए गए हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस जस्ट कीप गेटिंग बेटर एवरी टाइम एंड इट इज़ ऑल्सो मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम और यह थैंक यू फॉर यू कैन से माई ओपिनियन वॉज माई रेटिंग इज 5 out of 5 एंड द डायरेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर इन दिस मूवी आर गुड इट इज़ अ मैसिव वैन डीजल। तो ये वैन डीजल की सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है साल 2021 की। इससे पहले भी वैन डीजल ने 8 पार्टों के अंदर काम किया, उसमें भी उसकी काफ़ी काबिले तारीफ एक्टिंग रही। वन ऑफ द हार्ड फ्रॉम मी टाइप ऑफ बिकॉज आई थॉट नो मैटर व्हाट दे एंड आई वॉच दिस लास्ट नाइट एंड यू आई लव गिव 5 out of 5 द विजुअल्स दे गिव दिस इज वर्जन इज ऑलमोस्ट बी बैड एज यू कैन से द बेस्ट फ्रेंचाइजी एवर मेड। थैंक यू गाइज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं, साथ ही इस मूवी के जो भी फैक्ट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारा जो चैनल है इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑडियंस के रिव्यू के वीडियो हम आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर रिलीज किया गया था। अब बात करें इस मूवी के अंदर कास्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विन डीजल, जॉन सिन्हा और जोर्डना और इसके अंदर ट्राइस जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर आप लोगों को नजर आए हैं। वहीं बात की जाए इस मूवी के अंदर कैटेगरी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर जो कैटेगरी मिली है वो मिली है एक्शन और एडवेंचर कैटेगरी की मिली है। 2 घंटे और 25 मिनट की यह मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है। इसको 25 जून 2021 को यूएसए के अंदर रिलीज किया गया था, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है। इसको जो रेटिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उस मूवी को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। जैसे कि इसके पहले 8 पार्टों के अंदर इसको जो ऑडियंस का प्यार मिला है, वैसा ही इसके 9वें पार्ट को भी वैसा ही प्यार में देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके क्रिटिक्स रिव्यू की, तो क्रिटिक्स ने भी इसको भरपूर प्यार दिया है। वहीं इसके ऑडियंस रिव्यू ने इसको जमकर काफ़ी काबिले तारीफ, इसमें जो एक्शन सीन है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ़ हैं। वो तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जो 8 9वां पार्ट है जिसके बारे में इसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं, जहाँ इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है आईएमडीबी पर, और साथ ही इसकी जो क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी जो रेटिंग दी है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं इसके अंदर। वहीं बात करें इसके अंदर जो एक्टिंग है, साथ ही इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। F9 मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 9 है, इससे पहले के जो 8 पार्ट रिलीज हुए थे वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है। आई कॉन्ट नॉट वेट टू वॉच द लेटेस्ट एंड मास्टरपीस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी दैट हैज़ ये डिफाइंड माई चाइल्डहुड। यू कैन से वार्निंग स्पॉयलर एंड यू कैन से द लेटेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी हैज़ फाइनली ब्रोकन द मोल्ड अगेन एंड अगेन सेटअप।
फास्ट एंड फ्यूरियस सागा नेवर डिसअपॉइंटेड एनी हु वॉचेज इट एज इट्स नॉट जस्ट सम एक्शन फिल्ड सागा इट्स श्योर प्रोवाइड द पावर ऑफ द फैमिली एंड हाउ यू कैन से इट डिजर्व्स वन रियली आई हैव वॉच द सिंस F1 एंड द सीरियस जस्ट गेट मोर रिडिकुलस एवरी इंस्टॉलमेंट सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी बियर और बैड न्यूज़ दिस मूवी वाज वन ऑफ द माई फेवरेट। क्या आपकी भी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी फेवरेट है तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। हु न्यू दैट द स्टोरी ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल स्ट्रीट रेसिंग एंड द स्टीलिंग स्मॉल एंड मटेरियल विल बी ए बिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्टर। तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर काफ़ी काम किया है। आई गेंड ए हेड एज ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी। आई हैव बीन वॉच द फर्स्ट मूवी सिंस आई वॉज द यंग माई पेरेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट टू मी बट दिस मूवी शुड नॉट एग्जिस्ट द मूवी फेल्ट क्यूज हु नेवर रोड दिस इज पुअर यू कैन से इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। फास्ट एंड फ्यूरियस वॉचिंग एक्शन मूवी हैज़ ऑलवेज बीन द थिंग्स ऑफ द जॉय ऑफ मी इट हैज़ बीन द मेन ऑफ मूवी अवे फ्रॉम द रियलिटी बेस एंड ऑन द काइंड ऑफ द स्ट्रेस पीपल हु गो थ्रू इन द कंट्री यू कैन से वेल दिस प्रीटी मच एंड यू कैन से आई एक्सपेक्टेड इट हैज़ बीन वेरी आई हैव बीन नोबडी नेवर वॉच दिस मूवी क्योज दे वर रियलिस्टिक एंड इफ यू वॉन्ट इट अर्ली इन द रियल कार यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द फास्ट सागा इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म। आपको लेकर यह मूवी कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वेल फर्स्टली दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड हु इज एंड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस फैन फ्रॉम द फर्स्ट रिलीज अंटिल नाउ दिस इज द फर्स्ट डिसअपॉइंटेड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म इन द मूवी हिस्ट्री और एवरी सीन्स इन द ड्रॉन द टाइम एवरी वन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हैज़ बीन लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट दिस यू कैन से आई हैव बीन ऑनेस्टली इट वॉज द मोस्ट पीपल हैव कम द एक्सपेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेंचाइजी यू कैन आई एम ए फैन द फैमिली ऑफ द सेटिंग द लव फॉर द ईच एवरी आई लव फास्ट एंड फ्यूरियस 9 रियली आई डोंट नो वाट टू से दैट वॉज द मोस्ट और यू कैन से आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस टाइप ऑफ मूवी वैन आई सा द ट्रेलर 1K फिजिक्स एंड द लॉजिक यू कैन से दिस मूवी इज़ डेफिनेटली द गुड मूवी एंड ऑफ ईयर 2020-21 आई हैव बीन ए बिग फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी सिंस द बिगनिंग एंड यू कैन टुगेदर इन टू द वॉच मूवी देर इज द सर्टिनिटी एंड अ टैलेंट फॉर द लिस्ट सम यू कैन से एक्टर एक्ट्रेस टू हैव द ग्रेट कास्ट एंड आई फेल टाइम्स लाइक द टैलेंट वॉज वॉकिंग द वेल वॉन पाथ एंड द मे बी दैट द प्रॉब्लम एक्शन द कम्फर्टेबल टू अस द फैमिलिटी Hopeful someone is paying attention. Fast and Furious is the one of the best film of the series. Talking about F9, this is the fabulous movie to watch. The really amazing direction, story, visuals, effect, car, and the most appreciated things a family high can come back with the biggest thrill. तो जल्दी इस मूवी का जो 10 पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस मूवी को जो ऑडियंस लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो इसी वीडियो के अंदर हम आपसे साझा की है। और अगर आप किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के पहले के रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ साथ दूसरों की वीडियो को भी कवर करने की कोशिश की जाएगा। देख सकते हैं मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द सागा एंड द यू कैन द थिएटर्स और यू कैन से एक्शन रेसिंग थ्रिलर। इसकी जो रेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रेटिंग है। वेल वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी विथ द मिक्स्ड रिएक्शंस। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन टू नो हिस्ट्री ऑफ द वॉचिंग प्रीवियस मूवी एंड यू कैन से इट इज़ वेरी गुड मूवी। और इस पे वीडियो से पहले हमने भी और भी मूवी से रिलेटेड वीडियो की इसके अंदर आप लोगों से कवर करने की कोशिश की है, जिनका जाकर आप लुत्फ उठा सकते। ओके सो यू कैन कुड एक्सपेक्ट लग्जरी कार्स बिंग्स एंड यू कैन से आई पर्सनली लव हाउ एक्शन पैकेज एंड ओवर द टॉप एंड क्रिटिक्स यू कैन से जेम्स बॉन्ड इन द हुड मैट फ्रॉम रोजर मूवी एंड रिव्यू एग्री विथ मी स्टार्स एंड द कंटिन्यू विद द यू कैन से दिस स्टंट हैव ऑलवेज बीन विद यू कैन से एट वन पॉइंट ऑफ द मूवी रोमन हैड 5 गाइस जस्ट बिहाइंड हिम शूटिंग ऑटोमेटिक आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी बट इट सीम्स लाइक कीपिंग
गेटिंग यू कैन से वर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द आई हैव नाउ वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच इट। आपने यह मूवी कहाँ पर देखी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कंट्री के अंदर आपने यह मूवी देखी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी, दिस वॉज द माई फर्स्ट मूवी बैक इन द थिएटर्स इन 14 months, फर्स्ट ऑन फायर इज 9 एंड यू कैन सी इट इज़ ए वेरी गुड मूवी। सो इट इज़ ऑब्वियसली टू सी फास्ट एंड फ्यूरियस, डू नॉट डू मूवी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार सीन्स एंड द टाइप्स ऑफ आई गेव द मूवी 5 स्टार। और आपके अकॉर्डिंग इसको कितने क्या स्टार मिलने चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइए। आपके हमारे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 5 स्टार मिलने चाहिए, जिस हिसाब से इसमें जो एक्शन सीन परफॉर्म किए गए हैं। फर्स्ट एंड फ्यूरियस जस्ट कीप गेटिंग बेटर एवरी टाइम एंड इट इज़ ऑल्सो मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। और यह थैंक यू फुल यू कैन से माई ओपिनियन वॉज माई रेटिंग इज 5 out of 5 एंड द डायरेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर इन दिस मूवी आर गुड। इट इज़ ए मैसिव वैन डीजल, तो ये वैन डीजल की सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है साल 2021 की। इससे पहले भी वैन डीजल ने 8 पार्टों के अंदर काम किया, उसमें भी उसकी काफ़ी काबिल तारीफ एक्टिंग रही। वन ऑफ द हार्ड फ्रॉम मी टाइप ऑफ बिकॉज आई थॉट नो मैटर वाट दे एंड आई वॉच दिस लास्ट नाइट एंड यू आई लव गिव 5 out of 5 द विजुअल्स दे गिव दिस इज वर्जन इज ऑलमोस्ट बी बैड एज यू कैन से द बेस्ट फ्रेंचाइज एवर मेड। थैंक यू गाइज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं, साथ ही इस मूवी के जो भी फैक्ट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारा जो चैनल है इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑडियंस के रिव्यू के वीडियो हम आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर रिलीज किया गया था। अब बात करें इस मूवी के अंदर कास्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विन डीजल, जॉन सिन्हा और जॉर्डिना और इसके अंदर ट्राइस जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर आप लोगों को नजर आए हैं। वहीं बात की जाए इस मूवी के अंदर कैटेगरी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर जो कैटेगरी मिली है वो मिली है एक्शन और एडवेंचर कैटेगरी की मिली है। 2 घंटे और 25 मिनट की यह मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है। इसको 25 जून 2021 को यूएसए के अंदर रिलीज किया गया था, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है। इसको जो रेटिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उस मूवी को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। जैसे कि इसके पहले 8 पार्टों के अंदर इसको जो ऑडियंस का प्यार मिला है, वैसा ही इसके 9वें पार्ट को भी वैसा ही प्यार में देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके क्रिटिक्स रिव्यू की, तो क्रिटिक्स ने भी इसको भरपूर प्यार दिया है। वहीं इसके ऑडियंस रिव्यू ने इसको जमकर काफ़ी काबिले तारीफ, इसमें जो एक्शन सीन है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ हैं। वो तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जो 8वां पार्ट है उसके बारे में, इसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं। जहाँ इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है IMDb पर, और साथ ही इसकी जो क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी जो रेटिंग दी है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं इसके अंदर। वहीं बात करें इसके अंदर जो एक्टिंग है, साथ ही इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। F9 मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 9 है, इससे पहले के जो 8 पार्ट रिलीज हुए थे वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है। आई कॉन्ट नॉट वेट टू वॉच द लेटेस्ट एंड मास्टरपीस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी दैट हैज़ ये डिफाइंड माई चाइल्डहुड। यू कैन से वार्निंग स्पॉयलर एंड यू कैन से द लेटेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी हैज़ फाइनली ब्रोकन द मोल्ड अगेन एंड अगेन सेटअप। फास्ट एंड फ्यूरियस सागा नेवर डिसअपॉइंटेड एनी हु वॉचेज इट एज इट्स नॉट जस्ट सम एक्शन फेल्ड सागा, इट्स श्योर प्रोवाइड द पावर ऑफ द फैमिली एंड हाउ यू कैन से इट डिजर्व्स वन रियली आई हैव वॉच द सिंस F1 एंड द सीरियस जस्ट गेट मोर रिडिकुलस एवरी इंस्टॉलमेंट। सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी बियर ऑफ बैड न्यूज़, दिस मूवी वॉज वन ऑफ द माई फेवरेट। क्या आपकी भी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी फेवरेट है तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। हु न्यू दैट द स्टोरी ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल स्ट्रीट रेसिंग एंड द
स्टेलिंग स्मॉल एंड मटेरियल विल बी ए बिलियंस डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्टर। तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर काफ़ी काम किया है। आई एंड ए हेड एज ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी। आई हैव बीन वॉच द फर्स्ट मूवी सिंस आई वॉज द यंग। माई पेरेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट टू मी, बट दिस मूवी शुड नॉट एग्जिस्ट। द मूवी फेल्ट क्यूज हु नेवर रोड दिस इज पुअर। यू कैन से इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। फास्ट एंड फ्यूरियस वॉचिंग एक्शन मूवी हैज़ ऑलवेज बीन द थिंग्स ऑफ द जॉय ऑफ मी। इट हैज़ बीन द मेन ऑफ मूवी अवे फ्रॉम द रियलिटी बेस एंड ऑन द काइंड ऑफ द स्ट्रेस पीपल हु गोट थ्रू इन द कंट्री। यू कैन से वेल दिस प्रीटी मच एंड यू कैन से आई एक्सपेक्टेड इट हैज़ बीन वेरी। आई हैव बीन Nobody never watched this movie because they were realistic and if you are did early in the real car you can say Fast and Furious 9. The Fast Saga is one of the best Fast and Furious film. आपको लेकर यह मूवी कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वेल फर्स्टली दिस इज नॉट वाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड हु इज एंड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस फैन फ्रॉम द फर्स्ट रिलीज अंटिल नाउ दिस इज द फर्स्ट डिसअपॉइंटेड। यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म इन द मूवी हिस्ट्री और एवरी सीन्स इन द ड्राउन द टाइम एवरी वन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हैज़ बीन लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट दिस यू कैन से आई हैव बीन Honestly, it was the most people have come to expect from the first franchise. You can say, I am a fan, the family of the setting, the love for the each every. I love Fast and Furious 9 really. I don't know what to say. That was the most, or you can say, I was very happy to see this type of movie when I saw the trailer. 1K physics and the logic, you can say. This movie is definitely the good movie and of year 2020-21. I have been a big fan of the franchise since the beginning and you can together into the watch movie. There is the certainty enough talent for the list. Some you can say actor, actress to have the great cast and I felt times like the talent was walking the well-worn path and there may be that the problem action the comfortable to us the family. Hopeful someone is paying attention. First of Fast and Furious is the one of the best film of the series. Talking about F9, this is the fabulous movie to watch. The really amazing direction, story, visuals, effect, car, and the most appreciate things a family high can come back with the biggest thrill. तो जल्दी इस मूवी का जो 10 पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस मूवी को जो ऑडियंस लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो इसी वीडियो के अंदर हम आपसे साझा की है। और अगर आप किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के पहले के रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ साथ दूसरों को वीडियो को भी कवर करने की कोशिश की जाएगा। देख सकते हैं मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द सागा एंड यू कैन द थिएटर्स और यू कैन से एक्शन रेसिंग थ्रिलर। इसकी जो रेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रेटिंग है। वेल वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी विथ द मिक्सड रिएक्शंस। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन टू नो हिस्ट्री ऑफ द वॉचिंग प्रीवियस मूवी एंड यू कैन से इट इज़ वेरी गुड मूवी। और इस पर वीडियो से पहले हमने भी और भी मूवी से रिलेटेड वीडियो की इसके अंदर आप लोगों से कवर करने की कोशिश की है, जिनका जाकर आप लुत्फ उठा सकते। ओके सो यू कैन कुड एक्सपेक्ट लग्जरी कार्स बिंग्स एंड यू कैन से आई पर्सनली लव हाउ एक्शन पैकेज एंड ओवर द टॉप एंड क्रिटिक्स यू कैन से जेम्स बॉन्ड इन द हुड मैट फ्रॉम रोजर मूवी एंड रिव्यू एग्री विथ मी स्टार्स एंड द कंटिन्यू विद द यू कैन से दिस स्टंट हैव ऑलवेज बीन विद यू कैन से एट वन पॉइंट ऑफ द मूवी रोमन हैड 5 गाइस जस्ट बिहाइंड हिम शूटिंग ऑटोमेटिक। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी बट इट सीम्स लाइक कीपिंग गेटिंग यू कैन से वर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द आई हैव नाउ वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच इट। आपने यह मूवी कहाँ पर देखी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा और कौन सी कंट्री के अंदर आपने यह मूवी देखी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी दिस वॉज द माई फर्स्ट मूवी बैक इन द थिएटर्स इन 14 मंथ्स फर्स्ट ऑन फायर इज 9 एंड यू कैन सी इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। सो इट इज़ ऑब्वियसली टू सी फास्ट एंड फ्यूरियस डू नॉट डू मूवी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार सीन्स एंड द टाइप्स ऑफ
आई गेव दैम मूवी 5 स्टार, और आपके अकॉर्डिंग इसको कितने क्या स्टार मिलने चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइए। आपके हमारे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 5 स्टार मिलने चाहिए। जिस हिसाब से इसमें जो एक्शन सीन परफॉर्म किए गए हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस जस्ट कीप गेटिंग बेटर एवरी टाइम एंड इट इज़ आल्सो मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। और यह थैंक यू फॉर यू कैन से माई ओपिनियन वॉज माई रेटिंग इज़ 5 out of 5 एंड द डायरेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर इन दिस मूवी आर गुड। इट इज़ ए मैसिव वैन डीजल, तो ये वैन डीजल की सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है साल 2021 की। इससे पहले भी वैन डीजल ने 8 पार्टों के अंदर काम किया, उसमें भी उसकी काफ़ी काबिले तारीफ एक्टिंग रही। वन ऑफ द हार्ड फ्रॉम मी टाइप ऑफ बिकॉज आई थॉट नो मैटर व्हाट दे एंड आई वॉच दिस लास्ट नाइट एंड यू आई लव गिव 5 out of 5 द विजुअल्स दे गिव दिस इज वर्जन इज ऑलमोस्ट बी बैड एज यू कैन से द बेस्ट फ्रेंचाइज एवर मेड। थैंक यू गाइज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं, साथ ही इस मूवी के जो भी फैक्ट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारा जो चैनल है इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑडियंस के रिव्यू के वीडियो हम आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर रिलीज किया गया था। अब बात करें इस मूवी के अंदर कास्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विन डीजल, जॉन सिन्हा और जॉर्डिना और इसके अंदर ट्राइस जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर आप लोगों को नजर आए हैं। वहीं बात की जाए इस मूवी के अंदर कैटेगरी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर जो कैटेगरी मिली है वो मिली है एक्शन और एडवेंचर कैटेगरी की मिली है। 2 घंटे और 25 मिनट की यह मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है। इसको 25 जून 2021 को यूएसए के अंदर रिलीज किया गया था, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है। इसको जो रेटिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उस मूवी को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। जैसे कि इसके पहले 8 पार्टों के अंदर इसको जो ऑडियंस का प्यार मिला है, वैसा ही इसके 9वें पार्ट को भी वैसा ही प्यार में देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके क्रिटिक्स रिव्यू की, तो क्रिटिक्स ने भी इसको भरपूर प्यार दिया है। वहीं इसके ऑडियंस रिव्यू ने इसको जमकर काफ़ी काबिले तारीफ, इसमें जो एक्शन सीन है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ हैं। वो तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जो 8 9वां पार्ट है जिसके बारे में इसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं, जहाँ इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है IMDb पर, और साथ ही इसकी जो क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी जो रेटिंग दी है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं इसके अंदर। वहीं बात करें इसके अंदर जो एक्टिंग है, साथ ही इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। F9 मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 9 है, इससे पहले के जो 8 पार्ट रिलीज हुए थे वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है। आई कॉन्ट नॉट वेट टू वॉच द लेटेस्ट एंड मास्टरपीस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी दैट हैज़ ये डिफाइंड माई चाइल्डहुड। यू कैन से वार्निंग स्पॉयलर एंड यू कैन से द लेटेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी हैज़ फाइनली ब्रोकन द मोल्ड अगेन एंड अगेन सेटअप। फास्ट एंड फ्यूरियस सागा नेवर डिसअपॉइंटेड एनी हु वॉचेज इट एज इट्स नॉट जस्ट सम एक्शन फेल्ड सागा, इट्स श्योर प्रोवाइड द पावर ऑफ द फैमिली एंड हाउ यू कैन से इट डिजर्व्स वन रियली आई हैव वॉच द सिंस F1 एंड द सीरियस जस्ट गेट मोर रिडिकुलस एवरी इंस्टॉलमेंट। सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी बियर ऑफ बैड न्यूज़, दिस मूवी वॉज वन ऑफ द माई फेवरेट। क्या आपकी भी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी फेवरेट है तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। हु न्यू दैट द स्टोरी ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल स्ट्रीट रेसिंग एंड द स्टीलिंग स्मॉल एंड मटेरियल विल बी ए बिलियंस डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्टर। तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर काफ़ी काम किया है। आई एंड ए हेड एच ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी, आई हैव बीन वॉच द फर्स्ट मूवी सिंस आई वॉज द यंग, माई पेरेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट टू मी बट दिस मूवी शुड नॉट एग्जिस्ट द मूवी फेल्ट क्यूज हु नेवर रोड दिस इज पुअर यू कैन से इट इज़ द वेरी गुड मूवी। फास्ट एंड फ्यूरियस वॉचिंग एक्शन मूवी हैज़ ऑलवेज बीन द थिंग्स ऑफ द जॉय ऑफ मी
इट हैज़ बीन द मेन ऑफ मूवी अवे फ्रॉम द रियलिटी बेस एंड ऑन द काइंड ऑफ द स्ट्रेस पीपल हु गो थ्रू इन द कंट्री. यू कैन से वेल दिस प्रीटी मच एंड यू कैन से आई एक्सपेक्टेड इट हैज़ बीन वेरी आई हैव बीन Nobody never watched this movie because they were realistic. And if you are did early in the real car, you can say Fast and Furious 9. The Fast Saga is one of the best Fast and Furious film. आपको लेकर यह मूवी कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा. Well, firstly, this is not what I expected from me and who is and you can say Fast and Furious fan from the first release until now. This is the first disappointed. You can say Fast and Furious 9 was one of the greatest film in the movie history. Or every scene in the drawn the time everyone from the life of the has been looking for the entertainment. This you can say I have been honestly it was the most people have come the expect from the first franchise. You can say I am a fan the family of the setting the love for the each every I love Fast and Furious 9 really I don't know what to say that was the most or you can say I was very happy to see this type of movie when I saw the trailer 1K physics and the logic you can say This movie is definitely the good movie and of year 2020-21. I have been a big fan of the franchise since the beginning and you can together into the watch movie. There is the certainty enough talent for the list. Some you can say actor, actress to have the great cast and I felt times like the talent was walking the well-worn path and there may be that the problem action the comfortable to us the familiarity. Hopeful someone is paying attention. First of Fast and Furious is the one of the best film of the series. Talking about F9, this is the fabulous movie to watch. The really amazing direction, story, visuals, effect, car, and the most appreciated things a family high can come back with the biggest thrill. तो जल्दी इस मूवी का जो 10 पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा. इस मूवी को जो ऑडियंस लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो इसी वीडियो के अंदर हम आपसे साझा की है. और अगर आप किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के पहले के रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ साथ दूसरों को वीडियो को भी कवर करने की कोशिश की जाएगा. देख सकते हैं मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द सागा एंड यू कैन द थिएटर्स और यू कैन से एक्शन रेसिंग थ्रिलर. इसकी जो रेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रेटिंग है. वेल वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी विथ द मिक्सड रिएक्शंस. इफ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन टू नो हिस्ट्री ऑफ द वॉचिंग प्रीवियस मूवी एंड यू कैन से इट इज़ वेरी गुड मूवी. और इस पर वीडियो से पहले हमने भी और भी मूवी से रिलेटेड वीडियो की इसके अंदर आप लोगों से कवर करने की कोशिश की है, जिनका जाकर आप लुत्फ उठा सकते हैं. ओके सो यू कैन कुड एक्सपेक्ट लग्जरी कार्स बींग्स एंड यू कैन से आई पर्सनली लव हाउ एक्शन पैकेज एंड ओवर द टॉप एंड क्रिटिक्स. यू कैन से जेम्स बॉन्ड इन द हुड मैट फ्रॉम रोजर मूवी एंड रिव्यू एग्री विथ मी स्टार्स एंड द कंटिन्यू विद द यू कैन से दिस स्टंट हैव ऑलवेज बीन विद यू कैन से एट वन पॉइंट ऑफ द मूवी रोमन हैड 5 गाइस जस्ट बिहाइंड हिम शूटिंग ऑटोमेटिक. आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी बट इट सीम्स लाइक टू कीपिंग गेटिंग यू कैन से वर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द आई हैव नाउ वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच इट. आपने यह मूवी कहाँ पर देखी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा और कौन सी कंट्री के अंदर आपने यह मूवी देखी. आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी दिस वॉज द माई फर्स्ट मूवी बैक इन द थिएटर्स इन 14 मंथ्स. फर्स्ट ऑन फायर इज 9 एंड यू कैन सी इट इज़ अ वेरी गुड मूवी. सो इट इज़ ऑब्वियसली टू सी फास्ट एंड फ्यूरियस. डू नॉट डू मूवी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार सीन्स एंड द टाइप्स ऑफ आई गेव द मूवी 5 स्टार. और आपके अकॉर्डिंग इसको कितने क्या स्टार मिलने चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइए. आपके हमारे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 5 स्टार मिलने चाहिए. जिस हिसाब से इसमें जो एक्शन सीन परफॉर्म किए गए हैं फास्ट एंड फ्यूरियस जस्ट कीप गेटिंग बेटर एवरी टाइम एंड इट इज़ आल्सो मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम. और यह थैंक यू फुल यू कैन से माय ओपिनियन वाज माय रेटिंग इज 5 आउट ऑफ 5 एंड द डायरेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर इन दिस मूवी आर गुड.
इट इज़ अ मैसिव वैन डीजल। तो ये वैन डीजल की सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है साल 2021 की। इससे पहले भी वैन डीजल ने 8 पार्टों के अंदर काम किया, उसमें भी उसकी काफ़ी काबिले तारीफ एक्टिंग रही। वन ऑफ द हार्ड फ्रॉम मी टाइप ऑफ बिकॉज आई थॉट नो मैटर व्हाट दे एंड आई वॉच दिस लास्ट नाइट एंड यू आई लव गिव 5 out of 5 द विजुअल्स दे गिव दिस इज वर्जन इज ऑलमोस्ट बी बैड एज यू कैन से द बेस्ट फ्रेंचाइज एवर मेड। थैंक यू गाइज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं, साथ ही इस मूवी के जो भी फैक्ट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारा जो चैनल है, इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑडियंस के रिव्यू के वीडियो हम आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर रिलीज किया गया था। अब बात करें इस मूवी के अंदर कास्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विन डीजल, जॉन सीना और जॉर्डिना और इसके अंदर ट्राइस जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर आप लोगों को नजर आए हैं। वहीं बात की जाए इस मूवी के अंदर कैटेगरी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर जो कैटेगरी मिली है वो मिली है एक्शन और एडवेंचर कैटेगरी की मिली है। 2 घंटे और 25 मिनट की यह मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है। इसको 25 जून 2021 को यूएसए के अंदर रिलीज किया गया था, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है। इसको जो रेटिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उस मूवी को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। जैसे कि इसके पहले 8 पार्टों के अंदर इसको जो ऑडियंस का प्यार मिला है, वैसा ही इसके 9वें पार्ट को भी वैसा ही प्यार में देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके क्रिटिक्स रिव्यू की, तो क्रिटिक्स ने भी इसको भरपूर प्यार दिया है। वहीं इसके ऑडियंस रिव्यू ने इसको जमकर काफ़ी काबिले तारीफ, इसमें जो एक्शन सीन है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ हैं। वो तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जो 8-9वां पार्ट है उसके बारे में, इसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं। जहाँ इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है IMDb पर, और साथ ही इसकी जो क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी जो रेटिंग दी है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं इसके अंदर। वहीं बात करें इसके अंदर जो एक्टिंग है, साथ ही इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। F9 मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 9 है, इससे पहले के जो 8 पार्ट रिलीज हुए थे वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है। आई कॉन नॉट वेट टू वॉच द लेटेस्ट एंड मास्टरपीस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी दैट हैज़ ये डिफाइंड माई चाइल्डहुड। यू कैन से वार्निंग स्पॉयलर एंड यू कैन से द लेटेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी हैज़ फाइनली ब्रोकन द मोल्ड अगेन एंड अगेन सेटअप। फास्ट एंड फ्यूरियस सागा नेवर डिसअपॉइंटेड एनी हु वॉचेज इट एज इट्स नॉट जस्ट सम एक्शन फेल्ड सागा, इट्स श्योर प्रोवाइड द पावर ऑफ द फैमिली एंड हाउ यू कैन से इट डिजर्व्स वन रियली आई हैव वॉच द सिंस F1 एंड द सीरियस जस्ट गेट मोर रिडिकुलस एवरी इंस्टॉलमेंट। सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी बियर ओ बैड न्यूज़, दिस मूवी वॉज वन ऑफ द माई फेवरेट। क्या आपकी भी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी फेवरेट है, तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। हु न्यू दैट द स्टोरी ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल स्ट्रीट रेसिंग एंड द स्टीलिंग स्मॉल एंड मटेरियल विल बी ए बिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्टर। तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर काफ़ी काम किया है। आई गेंड ए हेड एच ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी, आई हैव बीन वॉच द फर्स्ट मूवी सिंस आई वॉज द यंग, माई पेरेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट टू मी, बट दिस मूवी शुड नॉट एग्जिस्ट द मूवी फेल्ट क्यूज हु नेवर रोड दिस इज पुअर, यू कैन से इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। फास्ट एंड फ्यूरियस वॉचिंग एक्शन मूवी हैज ऑलवेज बीन द थिंग्स ऑफ द जॉय ऑफ मी, इट हैज़ बीन द मेन ऑफ मूवी अवे फ्रॉम द रियलिटी बेस एंड ऑन द काइंड ऑफ द स्ट्रेस पीपल हु गो थ्रो इन द कंट्री, यू कैन से वेल दिस प्रीटी मच एंड यू कैन से आई एक्सपेक्टेड इट हैज़ बीन वेरी, आई हैव बीन नोबडी नेवर वॉच दिस मूवी क्योज दे वर रियलिस्टिक एंड इफ यू आर डिड अर्ली इन द रियल कार यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द फास्ट सागा इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म। आपको लेकर यह मूवी कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा।
वेल फर्स्टली दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड हु इज एंड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस फैन फ्रॉम द फर्स्ट रिलीज अंटिल नाउ दिस इज द फर्स्ट डिसअपॉइंटेड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म इन द मूवी हिस्ट्री और एवरी सीन्स इन द ड्रॉन द टाइम एवरी वन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हैज बीन लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट दिस यू कैन से आई हैव बीन Honestly, it was the most people have come to expect from the first franchise. You can say I am a fan, the family of the setting, the love for the each every. I love Fast and Furious 9 really. I don't know what to say. That was the most, or you can say I was very happy to see this type of movie when I saw the trailer. 1K physics and the logic, you can say. This movie is definitely the good movie and of year 2020-21. I have been a big fan of the franchise since the beginning and you can together into the watch movie. There is the certainty enough talent for the list. Some you can say actor, actress to have the great cast and I felt times like the talent was walking the well-worn path and there may be that the problem action the comfortable to us the family. Hopeful someone is paying attention. First of Fast and Furious is the one of the best film of the series. Talking about F9, this is the fabulous movie to watch. The really amazing direction, story, visuals, effect, car, and the most appreciated things a family high can come back with the biggest thrill. तो जल्दी इस मूवी का जो 10 पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस मूवी को जो ऑडियंस लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो इसी वीडियो के अंदर हम आपसे साझा की है। और अगर आप किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के पहले के रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ साथ दूसरों को वीडियो को भी कवर करने की कोशिश की जाएगा। देख सकते हैं मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द सागा एंड द यू कैन द थिएटर्स और यू कैन से एक्शन रेसिंग थ्रिलर। इसकी जो रेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रेटिंग है। वेल वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी विद द मिक्स्ड रिएक्शंस। इफ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन टू नो हिस्ट्री ऑफ द वॉचिंग प्रीवियस मूवी एंड यू कैन से इट इज़ वेरी गुड मूवी। और इस पे वीडियो से पहले हमने भी और भी मूवी से रिलेटेड वीडियो की इसके अंदर आप लोगों से कवर करने की कोशिश की है, जिनका जाकर आप लुत्फ उठा सकते हैं। ओके सो यू कैन कुड एक्सपेक्ट लग्जरी कार्स बिंग्स एंड यू कैन से आई पर्सनली लव हाउ एक्शन पैकेज एंड ओवर द टॉप एंड क्रिटिक्स यू कैन से जेम्स बॉन्ड इन द हुड मैट फ्रॉम रोजर मूवी एंड रिव्यू एग्री विथ मी स्टार्स एंड द कंटिन्यू विद द यू कैन से दिस स्टंट हैव ऑलवेज बीन विद यू कैन से एट वन पॉइंट ऑफ द मूवी रोमन हैड 5 का जस्ट बिहाइंड हिम शूटिंग ऑटोमेटिक। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी बट इट सीम्स लाइक कीपिंग गेटिंग यू कैन से वर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द आई हैव नाउ वेंट टू द हर्क्यूलस थिएटर्स टू वॉच इट। आपने यह मूवी कहाँ पर देखी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा और कौन सी कंट्री के अंदर आपने यह मूवी देखी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी दिस वॉज द माई फर्स्ट मूवी बैक इन द थिएटर्स इन 14 मंथ्स फर्स्ट ऑन फाइव इज 9 एंड यू कैन सी इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। सो इट इज़ ऑब्वियसली टू सी फास्ट एंड फ्यूरियस डू नॉट डू मूवी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार सीन्स एंड द टाइप्स ऑफ आई गेव द मूवी 5 स्टार। और आपके अकॉर्डिंग इसको कितने क्या स्टार मिलने चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइए। आपके हमारे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 5 स्टार मिलने चाहिए, जिस हिसाब से इसमें जो एक्शन सीन परफॉर्म किए गए हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस जस्ट कीप गेटिंग बेटर एवरी टाइम एंड इट इज़ आल्सो मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। और यह थैंक यू फॉर यू कैन से माय ओपिनियन वाज माय रेटिंग इज 5 out of 5 एंड द डायरेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर इन दिस मूवी आर गुड। इट इज़ अ मैसिव वैन डीजल। तो ये वैन डीजल की सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है साल 2021 की। इससे पहले भी वैन डीजल ने 8 पार्टों के अंदर काम किया, उसमें भी उसकी काफ़ी काबिल तारीफ एक्टिंग रही। वन ऑफ द हार्ड फ्रॉम मी टाइप ऑफ बिकॉज आई थॉट नो मैटर व्हाट दे एंड आई वॉच दिस लास्ट नाइट एंड यू आई लव गिव 5 out of 5 द विजुअल्स दे गिव दिस इज वर्जन इज ऑलमोस्ट बी बैड एज यू कैन से द बेस्ट फ्रेंचाइज एवर मेड। थैंक यू गाइज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी
जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं, साथ ही इस मूवी के जो भी फैक्ट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारा जो चैनल है, इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑडियंस के रिव्यू के वीडियो हम आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर रिलीज किया गया था। अब बात करें इस मूवी के अंदर कास्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विन डीजल, जॉन सिन्हा और जोर्डना और इसके अंदर ट्राइस जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर आप लोगों को नजर आए हैं। वहीं बात की जाए इस मूवी के अंदर कैटेगरी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर जो कैटेगरी मिली है वो मिली है एक्शन और एडवेंचर कैटेगरी की मिली है। 2 घंटे और 25 मिनट की यह मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है। इसको 25 जून 2021 को यूएसए के अंदर रिलीज किया गया था, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है। इसको जो रेटिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उस मूवी को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। जैसे कि इसके पहले 8 पार्टों के अंदर इसको जो ऑडियंस का प्यार मिला है, वैसा ही इसके 9वें पार्ट को भी वैसा ही प्यार में देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके क्रिटिक्स रिव्यू की, तो क्रिटिक्स ने भी इसको भरपूर प्यार दिया है। वहीं इसके ऑडियंस रिव्यू ने इसको जमकर काफ़ी काबिले तारीफ, इसमें जो एक्शन सीन है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ हैं। वो तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जो 8-9वां पार्ट है जिसके बारे में इसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं, जहाँ इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है IMDb पर, और साथ ही इसकी जो क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी जो रेटिंग दी है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं इसके अंदर। वहीं बात करें इसके अंदर जो एक्टिंग है, साथ ही इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। F9 मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 9 है, इससे पहले के जो 8 पार्ट रिलीज हुए थे वो भी काफ़ी काबिल तारीफ है। आई कॉन नॉट वेट टू वॉच द लेटेस्ट एंड मास्टरपीस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी दैट हैज़ ये डिफाइंड माय चाइल्डहुड। यू कैन से वार्निंग स्पॉइलर एंड यू कैन से द लेटेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी हैज़ फाइनली ब्रोकन द मोल्ड अगेन एंड अगेन सेटअप। फास्ट एंड फ्यूरियस सागा नेवर डिसअपॉइंटेड एनी हु वॉचेज इट एज इट्स नॉट जस्ट सम एक्शन फेल्ड सागा, इट्स श्योर प्रोवाइड द पावर ऑफ द फैमिली एंड हाउ यू कैन से इट डिजर्व्स वन रियली आई हैव वॉच द सिंस F1 एंड द सीरियस जस्ट गेट मोर रिडिकुलस एवरी इंस्टॉलमेंट। सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी बियर ऑफ बैड न्यूज, दिस मूवी वॉज वन ऑफ द माई फेवरेट। क्या आपकी भी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी फेवरेट है, तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। हु न्यू दैट द स्टोरी ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल स्ट्रीट रेसिंग एंड द स्टीलिंग स्मॉल एंड मटेरियल विल बी ए बिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्टर। तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर काफ़ी काम किया है। आई गेंड ए हेड एज ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी, आई हैव बीन वॉच द फर्स्ट मूवी सिंस आई वॉज द यंग, माई पेरेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट टू मी, बट दिस मूवी शुड नॉट एग्जिस्ट, द मूवी फेल्ट क्यूज हु नेवर रोड दिस इज पुअर, यू कैन से इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। फास्ट एंड फ्यूरियस वॉचिंग एक्शन मूवी हैज़ ऑलवेज बीन द थिंग्स ऑफ द जॉय ऑफ मी, इट हैज़ बीन द मेन ऑफ मूवी अवे फ्रॉम द रियलिटी बेस एंड ऑन द काइंड ऑफ द स्ट्रेस पीपल हु गो थ्रू इन द कंट्री, यू कैन से वेल दिस प्रीटी मच एंड यू कैन से आई एक्सपेक्टेड इट हैज़ बीन वेरी, आई हैव बीन नोबडी नेवर वॉच दिस मूवी क्योज दे वर रियलिस्टिक एंड इफ यू आर डिड अर्ली इन द रियल कार यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द फास्ट सागा इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म। आपको लेकर यह मूवी कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वेल फर्स्टली दिस इज नॉट वाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड हु इज एंड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस फैन फ्रॉम द फर्स्ट रिलीज अंटिल नाउ दिस इज द फर्स्ट डिसअपॉइंटेड, यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म इन द मूवी हिस्ट्री और एवरी सीन्स इन द ड्रॉन द टाइम एवरी वन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हैज़ बीन लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट दिस यू कैन से आई हैव बीन
Honestly, it was the most people have come the expect from the first franchisee. You can I am a fan, the family of the setting, the love for the each every. I love Fast and Furious 9 really. I don't know what to say. That was the most, or you can say I was very happy to see this type of movie when I saw the trailer. 1K physics and the logic, you can say. This movie is definitely the good movie and of year 2020-21. I have been a big fan of the franchise since the beginning, and you can together into the watch movie. There is the certainty enough talent for the list. Some you can say actor, actress to have the great cast, and I felt times like the talent was walking the well-worn path, and they may be that the problem action the comfortable to us the family. Hopeful someone is paying attention. First of Fast and Furious is the one of the best film of the series. Talking about F9, this is the fabulous movie to watch. The really amazing direction, story, visuals, effect, car, and the most appreciated things a family high can come back with the biggest thrill. तो जल्दी इस मूवी का जो 10 पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा. इस मूवी को जो ऑडियंस लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो इसी वीडियो के अंदर हम आपसे साझा की है. और अगर आप किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के पहले के रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ साथ दूसरों की वीडियो को भी कवर करने की कोशिश की जाएगा. देख सकते हैं मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द सागा एंड द यू कैन द थिएटर्स और यू कैन से एक्शन रेसिंग थ्रिलर. इसकी जो रेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रेटिंग है. वेल वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी विथ द मिक्स्ड रिएक्शंस. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन टू नो हिस्ट्री ऑफ द वॉचिंग प्रीवियस मूवी एंड यू कैन से इट इज़ वेरी गुड मूवी. और इस पे वीडियो से पहले हमने भी और भी मूवी से रिलेटेड वीडियो की इसके अंदर आप लोगों से कवर करने की कोशिश की है, जिनका जाकर आप लुत्फ उठा सकते. ओके सो यू कैन कुड एक्सपेक्ट लग्जरी कार्स बिंग्स एंड यू कैन से आई पर्सनली लव हाउ एक्शन पैकेज एंड ओवर द टॉप एंड क्रिटिक्स यू कैन से जेम्स बॉन्ड इन द हुड मैट फ्रॉम रोजर मूवी एंड रिव्यू एग्री विथ मी स्टार्स एंड द कंटिन्यू विद द यू कैन से दिस स्टंट हैव ऑलवेज बीन विद यू कैन से एट वन पॉइंट ऑफ द मूवी रोमन हैड 5 guys जस्ट बिहाइंड हिम शूटिंग ऑटोमेटिक. आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी बट इट सीम्स लाइक टू कीपिंग गेटिंग यू कैन से वर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द आई हैव नाउ वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच इट. आपने यह मूवी कहाँ पर देखी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कंट्री के अंदर आपने यह मूवी देखी. आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी दिस वॉज द माई फर्स्ट मूवी बैक इन द थिएटर्स इन 14 months फर्स्ट ऑन फायरस 9 एंड यू कैन सी इट इज़ अ वेरी गुड मूवी. सो इट इज़ ऑब्वियसली टू सी फास्ट एंड फ्यूरियस डू नॉट डू मूवी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार सीन्स एंड द टाइप्स ऑफ आई गेव द मूवी 5 star. और आपके अकॉर्डिंग इसको कितने क्या स्टार मिलने चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइए. आपके हमारे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 5 star मिलने चाहिए, जिस हिसाब से इसमें जो एक्शन सीन परफॉर्म किए गए हैं. फास्ट एंड फ्यूरियस जस्ट कीप गेटिंग बेटर एवरी टाइम एंड इट इज़ ऑल्सो मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम. और यह थैंक यू फुल यू कैन से माई ओपिनियन वॉज माई रेटिंग इज 5 out of 5 एंड द डायरेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर इन दिस मूवी आर गुड. इट इज़ अ मैसिव वैन डीजल. तो ये वैन डीजल की सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है साल 2021 की. इससे पहले भी वैन डीजल ने 8 पार्टों के अंदर काम किया, उसमें भी उसकी काफ़ी काबिल तारीफ एक्टिंग रही. वन ऑफ द हार्ड फ्रॉम मी टाइप ऑफ बिकॉज आई थॉट नो मैटर व्हाट दे एंड आई वॉच दिस लास्ट नाइट एंड यू आई लव गिव 5 out of 5 द विजुअल्स दे गिव दिस इज वर्जन इज ऑलमोस्ट बी बैड एज यू कैन से द बेस्ट फ्रेंचाइज एवर मेड. थैंक यू गाइज. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं, साथ ही इस मूवी के जो भी फैक्ट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. साथ ही हमारा जो चैनल है इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑडियंस के रिव्यू के वीडियो हम आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं. तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए. अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर रिलीज किया गया था. अब बात करें इस मूवी के अंदर कास्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विन डीजल, जॉन सिन्हा,
और जॉर्डिना और इसके अंदर ट्राइस जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर आप लोगों को नजर आए हैं। वहीं बात की जाए इस मूवी के अंदर कैटेगरी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर जो कैटेगरी मिली है वो मिली है एक्शन और एडवेंचर कैटेगरी की मिली है। 2 घंटे और 25 मिनट की यह मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है। इसको 25 जून 2021 को यूएसए के अंदर रिलीज़ किया गया था, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है। इसको जो रेटिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उस मूवी को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। जैसे कि इसके पहले 8 पार्टों के अंदर इसको जो ऑडियंस का प्यार मिला है, वैसा ही इसके 9वें पार्ट को भी वैसा ही प्यार में देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके क्रिटिक्स रिव्यू की, तो क्रिटिक्स ने भी इसको भरपूर प्यार दिया है। वहीं इसके ऑडियंस रिव्यू ने इसको जमकर काफ़ी काबिले तारीफ, इसमें जो एक्शन सीन है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ हैं। वो तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जो 8वां पार्ट है उसके बारे में, इसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं। जहाँ इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है IMDb पर, और साथ ही इसकी जो क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी जो रेटिंग दी है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं इसके अंदर। वहीं बात करें इसके अंदर जो एक्टिंग है, साथ ही इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। F9 मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 9 है, इससे पहले के जो 8 पार्ट रिलीज हुए थे वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है। आई कॉन्ट नॉट वेट टू वॉच द लेटेस्ट एंड मास्टर पीस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी दैट हैज़ ये डिफाइंड माई चाइल्डहुड। यू कैन से वार्निंग स्पॉयलर एंड यू कैन से द लेटेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी हैज़ फाइनली ब्रोकन द मोल्ड अगेन एंड अगेन सेटअप। फास्ट एंड फ्यूरियस सागा नेवर डिसअपॉइंटेड एनी हु वॉचेज इट हैज़ इट्स नॉट जस्ट सम एक्शन फेल सागा, इट्स श्योर प्रोवाइड द पावर ऑफ द फैमिली एंड हाउ यू कैन से इट डिजर्व्स वन। रियली आई हैव वॉच द सिंस F1 एंड द सीरियस जस्ट गेट मोर रिडिकुलस एवरी इंस्टॉलमेंट। सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी बियर ऑफ बैड न्यूज़, दिस मूवी वॉज वन ऑफ द माई फेवरेट। क्या आपकी भी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी फेवरेट है तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। हु न्यू दैट द स्टोरी ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल स्ट्रीट रेसिंग एंड द स्टीलिंग स्मॉल एंड मटेरियल विल बी ए बिलियंस डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्टर। तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर काफ़ी काम किया है। आई एंड ए हेड एच ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी, आई हैव बीन वॉच द फर्स्ट मूवी सिंस आई वॉज द यंग, माई पेरेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट टू मी, बट दिस मूवी शुड नॉट एग्जिस्ट। द मूवी फेल्ट क्यूज हु नेवर रोड दिस इज पुअर, यू कैन से इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। फास्ट एंड फ्यूरियस वॉचिंग एक्शन मूवी हैज़ ऑलवेज बीन द थिंग्स ऑफ द जॉय ऑफ मी, इट हैज़ बीन द मेन ऑफ मूवी अवे फ्रॉम द रियलिटी बेस एंड ऑन द काइंड ऑफ द स्ट्रेस पीपल हु गोट थ्रू इन द कंट्री। You can say well this pretty much and you can say I expected it has been very I have been nobody never watched this movie because they were realistic and if you are did early in the real car you can say Fast and Furious 9 the Fast Saga is one of the best Fast and Furious film। आपको लेकर यह मूवी कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वेल फर्स्टली दिस इज नॉट वाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड हु इज एंड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस फैन फ्रॉम द फर्स्ट रिलीज अंटिल नाउ दिस इज द फर्स्ट डिसअपॉइंटेड। यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म इन द मूवी हिस्ट्री और एवरी सीन्स इन द ड्राउन द टाइम एवरी वन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हैज़ बीन लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट दिस यू कैन से आई हैव बीन Honestly, it was the most people have come to expect from the first franchise. You can say, I am a fan, the family of the setting, the love for the each every. I love Fast and Furious 9 really. I don't know what to say. That was the most, or you can say, I was very happy to see this type of movie when I saw the trailer. 1K physics and the logic, you can say. This movie is definitely the good movie and of year 2020-21. I have been a big fan of the franchise since the beginning and you can together into the watch movie. There is the certainty enough talent for the list. Some you can say actor, actress to have the great cast and I felt times like the talent
वॉज वॉकिंग द वेल वॉर्न पाथ एंड द मे बी दैट द प्रॉब्लम एक्शन द कम्फर्टेबल टू अस द फैमिलिटी होपफुल सम वन इज पेइंग अटेंशन। फर्स्ट ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस इज द वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ द सीरीज टॉकिंग अबाउट F9 दिस इज द फेबुलस मूवी टू वॉच द रियली अमेजिंग डायरेक्शन स्टोरी विजुअल्स इफेक्ट कार एंड द मोस्ट अप्रिशिएट थिंग्स अ फैमिली हाई कैन कम बैक विद द बिगेस्ट थ्रिल। तो जल्द ही इस मूवी का जो 10 पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस मूवी को जो ऑडियंस लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो इसी वीडियो के अंदर हम आपसे साझा की है। और अगर आप किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के पहले के रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ साथ दूसरों को वीडियो को भी कवर करने की कोशिश की जाएगा। देख सकते हैं मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द सागा एंड यू कैन द थिएटर्स और यू कैन से एक्शन रेसिंग थ्रिलर। इसकी जो रेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रेटिंग है। वेल वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी विथ द मिक्स्ड रिएक्शंस। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन टू नो हिस्ट्री ऑफ द वॉचिंग प्रीवियस मूवी एंड यू कैन से इट इज़ वेरी गुड मूवी। और इस पर वीडियो से पहले हमने भी और भी मूवी से रिलेटेड वीडियो की इसके अंदर आप लोगों से कवर करने की कोशिश की है, जिनका जाकर आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। ओके सो यू कैन कुड एक्सपेक्ट लग्जरी कार्स बिंग्स एंड यू कैन से आई पर्सनली लव हाउ एक्शन पैकेज एंड ओवर द टॉप एंड क्रिटिक्स यू कैन से जेम्स बॉन्ड इन द हुड मैट फ्रॉम रोजर मूवी एंड रिव्यू एग्री विथ मी स्टार्स एंड द कंटिन्यू विद द यू कैन से दिस स्टंट हैव ऑलवेज बीन विद यू कैन से एट वन पॉइंट ऑफ द मूवी रोमन हैड 5 guys जस्ट बिहाइंड हिम शूटिंग ऑटोमेटिक। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी बट इट सीम्स लाइक टी कीपिंग गेटिंग यू कैन से वर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द आई हैव नाउ वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच इट। आपने यह मूवी कहाँ पर देखी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा और कौन सी कंट्री के अंदर आपने यह मूवी देखी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी दिस वॉज द माई फर्स्ट मूवी बैक इन द थिएटर्स इन 14 months फर्स्ट ऑन फायरस 9 एंड यू कैन सी इट इज़ ए वेरी गुड मूवी। सो इट इज़ ऑब्वियसली टू सी फास्ट एंड फ्यूरियस डू नॉट डू मूवी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार सीन्स एंड द टाइप्स ऑफ आई गेव द मूवी 5 star। और आपके अकॉर्डिंग इसको कितने क्या स्टार मिलने चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइए। आपके हमारे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 5 star मिलने चाहिए, जिस हिसाब से इसमें जो एक्शन सीन परफॉर्म किए गए हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस जस्ट कीप गेटिंग बेटर एवरी टाइम एंड इट इज़ ऑल्सो मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। और यह थैंक यू फुल यू कैन से माई ओपिनियन वॉज माई रेटिंग इज 5 out of 5 एंड द डायरेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर इन दिस मूवी आर गुड। इट इज़ ए मैसिव वैन डीजल। तो ये वैन डीजल की सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है साल 2021 की। इससे पहले भी वैन डीजल ने 8 पार्टों के अंदर काम किया, उसमें भी उसकी काफ़ी काबिले तारीफ एक्टिंग रही। वन ऑफ द हार्ड फ्रॉम मी टाइप ऑफ बिकॉज आई थॉट नो मैटर व्हाट दे एंड आई वॉच दिस लास्ट नाइट एंड यू आई लव गिव 5 out of 5 द विजुअल्स दे गिव दिस इज वर्जन इज ऑलमोस्ट बी बैड एज यू कैन से द बेस्ट फ्रेंचाइज एवर मेड। थैंक यू गाइज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं, साथ ही इस मूवी के जो भी फैक्ट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारा जो चैनल है इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑडियंस के रिव्यू के वीडियो हम आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर रिलीज किया गया था। अब बात करें इस मूवी के अंदर कास्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विन डीजल, जॉन सिन्हा और जॉर्डिना और इसके अंदर ट्राइस जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर आप लोगों को नजर आए हैं। वहीं बात की जाए इस मूवी के अंदर कैटेगरी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर जो कैटेगरी मिली है वो मिली है एक्शन और एडवेंचर कैटेगरी की मिली है। 2 घंटे और 25 मिनट की यह मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है। इसको 25 जून 2021 को यूएसए के अंदर रिलीज किया गया था, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है।
इसको जो रेटिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उस मूवी को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। जैसे कि इसके पहले 8 पार्टों के अंदर इसको जो ऑडियंस का प्यार मिला है, वैसा ही इसके 9वें पार्ट को भी वैसा ही प्यार में देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके क्रिटिक्स रिव्यू की, तो क्रिटिक्स ने भी इसको भरपूर प्यार दिया है। वहीं इसके ऑडियंस रिव्यू ने इसको जमकर काफ़ी कम मिले तारीफ। इसमें जो एक्शन सीन है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ़ हैं। वो तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जो 8 9वां पार्ट है जिसके बारे में इसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं। जहाँ इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है IMDb पर, और साथ ही इसकी जो क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी जो रेटिंग दी है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं इसके अंदर। वहीं बात करें इसके अंदर जो एक्टिंग है, साथ ही इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। F9 मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 9 है, इससे पहले के जो 8 पार्ट रिलीज हुए थे वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है। आई कॉन नॉट वेट टू वॉच द लेटेस्ट एंड मास्टरपीस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी दैट हैज़ ये डिफाइंड माई चाइल्डहुड। यू कैन से वार्निंग स्पॉयलर एंड यू कैन से द लेटेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी हैज़ फाइनली ब्रोकन द मोल्ड अगेन एंड अगेन सेटअप। फास्ट एंड फ्यूरियस सागा नेवर डिसअपॉइंटेड एनी हु वॉचेज इट एज इट्स नॉट जस्ट सम एक्शन फिल्ड सागा, इट्स श्योर प्रोवाइड द पावर ऑफ द फैमिली एंड हाउ यू कैन से इट डिजर्व्स वन रियली आई हैव वॉच द सिंस F1 एंड द सीरियस जस्ट गेट मोर रिडिकुलस एवरी इंस्टॉलमेंट। सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी बियर ऑफ बैड न्यूज़, दिस मूवी वॉज वन ऑफ द माई फेवरेट। क्या आपकी भी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी फेवरेट है तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। हु न्यू दैट द स्टोरी ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल स्ट्रीट रेसिंग एंड द स्टीलिंग स्मॉल एंड मटेरियल विल बी ए बिलियंस डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्टर। तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर काफ़ी काम किया है। आई एंड ए हेड एच ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी, आई हैव बीन वॉच द फर्स्ट मूवी सिंस आई वॉज द यंग, माई पेरेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट टू मी, बट दिस मूवी शुड नॉट एग्जिस्ट, द मूवी फेल्ट क्यूज हु नेवर रोड दिस इज पुअर, यू कैन से इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। फास्ट एंड फ्यूरियस वॉचिंग एक्शन मूवी हैज़ ऑलवेज बीन द थिंग्स ऑफ द जॉय ऑफ मी, इट हैज़ बीन द मेन ऑफ मूवी अवे फ्रॉम द रियलिटी बेस एंड ऑन द काइंड ऑफ द स्ट्रेस पीपल हु गो थ्रू इन द कंट्री, यू कैन से वेल दिस प्रीटी मच एंड यू कैन से आई एक्सपेक्टेड इट हैज़ बीन वेरी, आई हैव बीन नोबडी नेवर वॉच दिस मूवी क्योज दे वर रियलिस्टिक एंड इफ यू आर डिड अर्ली इन द रियल कार यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द फास्ट सागा इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म। आपको लेकर यह मूवी कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वेल फर्स्टली दिस इज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड हु इज एंड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस फैन फ्रॉम द फर्स्ट रिलीज अंटिल नाउ दिस इज द फर्स्ट डिसअपॉइंटेड, यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म इन द मूवी हिस्ट्री और एवरी सीन्स इन द ड्रॉन द टाइम एवरी वन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हैज़ बीन लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट दिस यू कैन से आई हैव बीन honestly it was the most people have come the expect from the first franchise you can say, I am a fan the family of the setting the love for the each every I love fast and furious 9 really I don't know what to say that was the most or you can say I was very happy to see this type of movie when I saw the trailer 1k physics and the logic you can say This movie is definitely the good movie and of year 2020-21. I have been a big fan of the franchise since the beginning and you can together into the watch movie. There is the certainty enough talent for the list. Some you can say actor, actress to have the great cast and I felt times like the talent was walking the well-worn path and there may be that the problem action the comfortable to us the familiarity. Hopeful someone is paying attention. First of Fast and Furious is the one of the best film of the series. Talking about F9, this is the fabulous movie to watch. The really amazing direction, story, visuals, effect, car, and the most appreciated things a family can come back with the biggest thrill.
तो जल्दी इस मूवी का जो 10 पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस मूवी को जो ऑडियंस लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो इसी वीडियो के अंदर हम आपसे साझा की है। और अगर आप किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के पहले के रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ साथ दूसरों को वीडियो को भी कवर करने की कोशिश की जाएगा। देख सकते हैं मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द सागा एंड यू कैन द थिएटर्स और यू कैन से एक्शन रेसिंग थ्रिलर। इसकी जो रेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रेटिंग है। वेल वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी विथ द मिक्सड रिएक्शंस। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन टू नो हिस्ट्री ऑफ द वॉचिंग प्रीवियस मूवी एंड यू कैन से इट इज़ वेरी गुड मूवी। और इस पे वीडियो से पहले हमने भी और भी मूवी से रिलेटेड वीडियो की इसके अंदर आप लोगों से कवर करने की कोशिश की है, जिनका जाकर आप लुत्फ उठा सकते हैं। ओके सो यू कन कुड एक्सपेक्ट लग्जरी कार्स बिंग्स एंड यू कैन से आई पर्सनली लव हाउ एक्शन पैकेज एंड ओवर द टॉप एंड क्रिटिक्स यू कैन से जेम्स बॉन्ड इन द हुड मैट फ्रॉम रोजर मूवी एंड रिव्यू एग्री विथ मी स्टार्स एंड द कंटिन्यू विद द यू कैन से दिस स्टंट हैव ऑलवेज बीन विद यू कैन से एट वन पॉइंट ऑफ द मूवी रोमन हैड 5 गाइस जस्ट बिहाइंड हिम शूटिंग ऑटोमेटिक। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी बट इट सीम्स लाइक टी कीपिंग गेटिंग यू कैन से वर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द आई हैव नाउ वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच इट। आपने यह मूवी कहाँ पर देखी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कंट्री के अंदर आपने यह मूवी देखी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी दिस वॉज द माई फर्स्ट मूवी बैक इन द थिएटर्स इन 14 मंथ्स फर्स्ट ऑन फाइव इज 9 एंड यू कैन सी इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। सो इट इज़ ऑब्वियसली टू सी फास्ट एंड फ्यूरियस डू नॉट डू मूवी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार सीन्स एंड द टाइप्स ऑफ आई गेव द मूवी 5 स्टार। और आपके अकॉर्डिंग इसको कितने क्या स्टार मिलने चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइए। आपके हमारे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 5 स्टार मिलने चाहिए, जिस हिसाब से इसमें जो एक्शन सीन परफॉर्म किए गए हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस जस्ट कीप गेटिंग बेटर एवरी टाइम एंड इट इज़ आल्सो मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। और यह थैंक यू फॉर यू कैन से माय ओपिनियन वाज माय रेटिंग इज 5 out of 5 एंड द डायरेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर इन दिस मूवी आर गुड। इट इज़ अ मैसिव वैन डीजल। तो ये वैन डीजल की सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है साल 2021 की। इससे पहले भी वैन डीजल ने 8 पार्टों के अंदर काम किया, उसमें भी उसकी काफ़ी काबिले तारीफ एक्टिंग रही। वन ऑफ द हार्ड फ्रॉम मी टाइप ऑफ बिकॉज आई थॉट नो मैटर व्हाट दे एंड आई वॉच दिस लास्ट नाइट एंड यू आई लव गिव 5 out of 5 द विजुअल्स दे गिव दिस इज वर्जन इज ऑलमोस्ट बी बैड एज यू कैन से द बेस्ट फ्रेंचाइज एवर मेड। थैंक यू गाइज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं, साथ ही इस मूवी के जो भी फैक्ट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारा जो चैनल है इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑडियंस के रिव्यू के वीडियो हम आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर रिलीज किया गया था। अब बात करें इस मूवी के अंदर कास्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विन डीजल, जॉन सिन्हा और जॉर्डिना और इसके अंदर ट्राइस जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर आप लोगों को नजर आए हैं। वहीं बात की जाए इस मूवी के अंदर कैटेगरी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर जो कैटेगरी मिली है वो मिली है एक्शन और एडवेंचर कैटेगरी की मिली है। 2 घंटे और 25 मिनट की यह मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है। इसको 25 जून 2021 को यूएसए के अंदर रिलीज़ किया गया था, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है। इसको जो रेटिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उस मूवी को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। जैसे कि इसके पहले 8 पार्टों के अंदर इसको जो ऑडियंस का प्यार मिला है, वैसा ही इसके 9वें पार्ट को भी वैसा ही प्यार में देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके क्रिटिक्स रिव्यू की, तो क्रिटिक्स ने भी इसको भरपूर प्यार दिया है। वहीं इसके ऑडियंस रिव्यू ने इसको जमकर काफ़ी काबिले तारीफ, इसमें जो एक्शन सीन है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ हैं। वो तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जो 8 9वां पार्ट है, जिसके बारे में इसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं, जहाँ इसके अंदर
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है IMDb पर, और साथ ही इसकी जो क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी जो रेटिंग दी है, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं इसके अंदर। वहीं बात करें इसके अंदर जो एक्टिंग है, साथ ही इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। F9 मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 9 है, इससे पहले के जो 8 पार्ट रिलीज हुए थे वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है। आई कॉन नॉट वेट टू वॉच द लेटेस्ट एंड मास्टर पीस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी दैट हैज़ ये डिफाइंड माई चाइल्डहुड। यू कैन से वार्निंग स्पॉयलर एंड यू कैन से द लेटेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी हैज़ फाइनली ब्रोकन द मोल्ड अगेन एंड अगेन सेटअप। फास्ट एंड फ्यूरियस सागा नेवर डिसअपॉइंटेड एनी हु वॉचेज इट एज इट्स नॉट जस्ट सम एक्शन फिल्ड सागा, इट्स श्योर प्रोवाइड द पावर ऑफ द फैमिली एंड हाउ यू कैन से इट डिजर्व्स वन रियली आई हैव वॉच द सिंस F1 एंड द सीरियस जस्ट गेट मोर रिडिकुलस एवरी इंस्टॉलमेंट। सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी बियर ओ बैड न्यूज, दिस मूवी वॉज वन ऑफ द माई फेवरेट। क्या आपकी भी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी फेवरेट है तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। हु न्यू दैट द स्टोरी ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल स्ट्रीट रेसिंग एंड द स्टीलिंग स्मॉल एंड मटेरियल विल बी ए बिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्टर। तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर काफ़ी काम किया है। आई गेंड ए हेड एज ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी। आई हैव बीन वॉच द फर्स्ट मूवी सिंस आई वॉज द यंग माई पेरेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट टू मी, बट दिस मूवी शुड नॉट एग्जिस्ट द मूवी फेल्ट क्यूज हु नेवर रोड दिस इज पुअर यू कैन से इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। फास्ट एंड फ्यूरियस वॉचिंग एक्शन मूवी हैज ऑलवेज बीन द थिंग्स ऑफ द जॉय ऑफ मी, इट हैज़ बीन द मेन ऑफ मूवी अवे फ्रॉम द रियलिटी बेस एंड ऑन द काइंड ऑफ द स्ट्रेस पीपल हु गो थ्रो इन द कंट्री। You can say well this pretty much and you can say I expected it has been very I have been nobody never watched this movie because they were realistic and if you are did early in the real car you can say Fast and Furious 9 the Fast Saga is one of the best Fast and Furious film। आपको लेकर यह मूवी कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वेल फर्स्टली दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड हु इज एंड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस फैन फ्रॉम द फर्स्ट रिलीज अंटिल नाउ दिस इज द फर्स्ट डिसअपॉइंटेड। यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म इन द मूवी हिस्ट्री और एवरी सीन्स इन द ड्रॉन द टाइम एवरी वन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हैज बीन लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट दिस यू कैन से आई हैव बीन Honestly, it was the most people have come to expect from the first franchisee. You can say, I am a fan, the family of the setting, the love for the each every. I love Fast and Furious 9 really. I don't know what to say. That was the most, or you can say, I was very happy to see this type of movie when I saw the trailer. 1K physics and the logic, you can say. This movie is definitely the good movie and of year 2020-21. I have been a big fan of the franchise since the beginning and you can together into the watch movie. There is the certainty enough talent for the list. Some you can say actor, actress to have the great cast and I felt times like the talent was walking the well-worn path and there may be that the problem action the comfortable to us the family. Hopeful someone is paying attention. First of Fast and Furious is the one of the best film of the series. Talking about F9, this is the fabulous movie to watch. The really amazing direction, story, visuals, effect, car, and the most appreciated things a family high can come back with the biggest thrill. तो जल्दी इस मूवी का जो 10 पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस मूवी को जो ऑडियंस लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो इसी वीडियो के अंदर हम आपसे साझा की है। और अगर आप किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के पहले के रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ साथ दूसरों को वीडियो को भी कवर करने की कोशिश की जाएगा। देख सकते हैं मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द सागा एंड द यू कैन द थिएटर्स और यू कैन से एक्शन रेसिंग थ्रिलर। इसकी जो रेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रेटिंग है। वेल वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी विद द मिक्स्ड रिएक्शंस। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन टू नो हिस्ट्री ऑफ द
वॉचिंग प्रीवियस मूवी एंड यू कैन से इट इज़ वेरी गुड मूवी। और इस पे वीडियो से पहले हमने भी और भी मूवी से रिलेटेड वीडियो की इसके अंदर आप लोगों से कवर करने की कोशिश की है, जिनका जाकर आप लुत्फ़ उठा सकते। ओके सो यू कैन कुड एक्सपेक्ट लग्जरी कार्स बिंग्स एंड यू कैन से आई पर्सनली लव हाउ एक्शन पैकेज एंड ओवर द टॉप एंड क्रिटिक्स यू कैन से जेम्स बॉन्ड इन द हुड मैट फ्रॉम रोजर मूवी एंड रिव्यू एग्री विद मी स्टार्स एंड द कंटिन्यू विद द यू कैन से दिस स्टंट हैव ऑलवेज बीन विद यू कैन से एट वन पॉइंट ऑफ द मूवी रोमन हैड फाइव का जस्ट बिहाइंड हिम शूटिंग ऑटोमेटिक आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी बट इट सीम्स लाइक कीपिंग गेटिंग यू कैन से वर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द आई हैव नाउ वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच इट। आपने ये मूवी कहाँ पर देखी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कंट्री के अंदर आपने ये मूवी देखी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी दिस वॉज द माई फर्स्ट मूवी बैक इन द थिएटर्स इन 14 months फर्स्ट ऑन फायर इज 9 एंड यू कैन सी इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। सो इट इज़ ऑब्वियसली टू सी फास्ट एंड फ्यूरियस डू नॉट डू मूवी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार सीन्स एंड द टाइप्स ऑफ आई गेव द मूवी 5 स्टार। और आपके अकॉर्डिंग इसको कितने क्या स्टार मिलने चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइए। आपके हमारे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 5 स्टार मिलने चाहिए, जिस हिसाब से इसमें जो एक्शन सीन परफॉर्म किए गए हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस जस्ट कीप गेटिंग बेटर एवरी टाइम एंड इट इज़ आल्सो मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। और यह थैंक यू फॉर यू कैन से माय ओपिनियन वाज माय रेटिंग इज 5 out of 5 एंड द डायरेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर इन दिस मूवी आर गुड। इट इज़ अ मैसिव वैन डीजल, तो ये वैन डीजल की सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है साल 2021 की। इससे पहले भी वैन डीजल ने 8 पार्टों के अंदर काम किया, उसमें भी उसकी काफ़ी काबिले तारीफ एक्टिंग रही। वन ऑफ द हार्ड फ्रॉम मी टाइप ऑफ बिकॉज आई थॉट नो मैटर व्हाट दे एंड आई वॉच दिस लास्ट नाइट एंड यू आई लव गिव 5 out of 5 द विजुअल्स दे गिव दिस इज वर्जन इज ऑलमोस्ट बी बैड एज यू कैन से द बेस्ट फ्रेंचाइज एवर मेड। थैंक यू गाइज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं, साथ ही इस मूवी के जो भी फैक्ट्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारा जो चैनल है इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑडियंस के रिव्यू के वीडियो हम आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर रिलीज किया गया था। अब बात करें इस मूवी के अंदर कास्ट की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विन डीजल, जॉन सिन्हा और जॉर्डिना और इसके अंदर ट्राइस जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर आप लोगों को नजर आए हैं। वहीं बात की जाए इस मूवी के अंदर कैटेगरी की, तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर जो कैटेगरी मिली है वो मिली है एक्शन और एडवेंचर कैटेगरी की मिली है। 2 घंटे और 25 मिनट की यह मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है। इसको 25 जून 2021 को यूएसए के अंदर रिलीज किया गया था, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है। इसको जो रेटिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उस मूवी को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। जैसे कि इसके पहले 8 पार्टों के अंदर इसको जो ऑडियंस का प्यार मिला है, वैसा ही इसके 9वें पार्ट को भी वैसा ही प्यार में देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके क्रिटिक्स रिव्यू की, तो क्रिटिक्स ने भी इसको भरपूर प्यार दिया है। वहीं इसके ऑडियंस रिव्यू ने इसको जमकर काफ़ी काबिले तारीफ, इसमें जो एक्शन सीन है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ हैं। वो तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जो 8 9वां पार्ट है उसके बारे में, इसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं। जहाँ इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है IMDb पर, और साथ ही इसकी जो क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी जो रेटिंग दी है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं इसके अंदर। वहीं बात करें इसके अंदर जो एक्टिंग है, साथ ही इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। F9 मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 9 है, इससे पहले के जो 8 पार्ट रिलीज हुए थे वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है। आई कॉन नॉट वेट टू वॉच द लेटेस्ट एंड मास्टरपीस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी दैट हैज़ ये डिफाइंड माई चाइल्डहुड। यू कैन से
वार्निंग स्पॉइलर एंड यू कैन से द लेटेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी हैज़ फाइनली ब्रोकन द मोल्ड अगेन एंड अगेन सेटअप. फास्ट एंड फ्यूरियस सागा नेवर डिसअपॉइंटेड एनी हु वॉचेज इट एज इट्स नॉट जस्ट सम एक्शन फेल्ड सागा इट्स श्योर प्रोवाइड द पावर ऑफ द फैमिली एंड हाउ यू कैन से इट डिजर्व्स वन रियली आई हैव वॉच द सिंस एवन एंड द सीरियस जस्ट गेट मोर रिडिकुलस एवरी इंस्टॉलमेंट. सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी बियर ऑफ बैड न्यूज़ दिस मूवी वॉज वन ऑफ द माई फेवरेट. क्या आपकी भी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी फेवरेट है तो वो आप हमें ज़रूर बताइए. हु न्यू दैट द स्टोरी ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल स्ट्रीट रेसिंग एंड द स्टीलिंग स्मॉल एंड मटेरियल विल बी ए बिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्टर. तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर काफ़ी काम किया है. आई गेंड ए हेड एज ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी. आई हैव बीन वॉच द फर्स्ट मूवी सिंस आई वॉज द यंग माई पेरेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट टू मी बट दिस मूवी शुड नॉट एग्जिस्ट. द मूवी फेल्ट क्यूज हु नेवर रोड दिस इज पुअर यू कैन से इट इज़ अ वेरी गुड मूवी. फास्ट एंड फ्यूरियस वॉचिंग एक्शन मूवी हैज़ ऑलवेज बीन द थिंग्स ऑफ द जॉय ऑफ मी. इट हैज़ बीन द मेन ऑफ मूवी अवे फ्रॉम द रियलिटी बेस एंड ऑन द काइंड ऑफ द स्ट्रेस पीपल हु गो थ्रू इन द कंट्री. यू कैन से वेल दिस प्रीटी मच एंड यू कैन से आई एक्सपेक्टेड इट हैज़ बीन वेरी आई हैव बीन नोबडी नेवर वॉच दिस मूवी क्योज दे वर रियलिस्टिक एंड इफ यू वॉन्ट इट अर्ली इन द रियल कार यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द फास्ट सागा इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म. आपको लेकर यह मूवी कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा. वेल फर्स्टली दिस इज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड हु इज एंड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस फैन फ्रॉम द फर्स्ट रिलीज अंटिल नाउ दिस इज द फर्स्ट डिसअपॉइंटेड. यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म इन द मूवी हिस्ट्री और एवरी सीन्स इन द ड्रॉन द टाइम एवरी वन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हैज़ बीन लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट दिस यू कैन से आई हैव बीन ऑनेस्टली इट वॉज द मोस्ट पीपल हैव कम द एक्सपेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेंचाइजी. यू कैन आई एम ए फैन द फैमिली ऑफ द सेटिंग द लव फॉर द ईच एवरी आई लव फास्ट एंड फ्यूरियस 9 रियली आई डोंट नो वॉट टू से दैट वॉज द मोस्ट और यू कैन से आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस टाइप ऑफ मूवी वैन आई सॉ द ट्रेलर वन के फिजिक्स एंड द लॉजिक. यू कैन से दिस मूवी इज़ डेफिनेटली द गुड मूवी एंड ऑफ ईयर 2020-21. आई हैव बीन ए बिग फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी सिंस द बिगनिंग एंड यू कैन टुगेदर इन टू द वॉच मूवी देर इज द सर्टिनिटी एंड अफ टैलेंट फॉर द लिस्ट सम यू कैन से एक्टर एक्ट्रेस टू हैव द ग्रेट कास्ट एंड आई फेल टाइम्स लाइक द टैलेंट वॉज वॉकिंग द वेल वॉन पाथ एंड द मे बी दैट द प्रॉब्लम एक्शन द कम्फर्टेबल टू अस द फैमिलिटी हाउपफुल सम वन इज पेइंग अटेंशन. फर्स्ट ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस इज द वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ द सीरीज. टॉकिंग अबाउट F9 दिस इज द फेबुलस मूवी टू वॉच द रियली अमेजिंग डायरेक्शन स्टोरी विजुअल्स इफेक्ट कार एंड द मोस्ट अप्रिशिएट थिंग्स अ फैमिली हाई कैन कम बैक विद द बिगेस्ट थ्रिल. तो जल्द ही इस मूवी का जो 10 पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा. इस मूवी को जो ऑडियंस लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो इसी वीडियो के अंदर हम आपसे साझा की है. और अगर आप किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के पहले के रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ साथ दूसरों की वीडियो को भी कवर करने की कोशिश की जाएगा. देख सकते हैं मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द सागा एंड द यू कैन द थिएटर्स और यू कैन से एक्शन रेसिंग थ्रिलर. इसकी जो रेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रेटिंग है. वेल वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी विथ द मिक्स्ड रिएक्शंस. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन टू नो हिस्ट्री ऑफ द वॉचिंग प्रीवियस मूवी एंड यू कैन से इट इज़ वेरी गुड मूवी. और इस पे वीडियो से पहले हमने भी और भी मूवी से रिलेटेड वीडियो की इसके अंदर आप लोगों से कवर करने की कोशिश की है, जिनका जाकर आप लुत्फ उठा सकते. ओके सो यू कैन कुड एक्सपेक्ट लग्जरी कार्स बिंग्स एंड यू कैन से आई पर्सनली लव हाउ एक्शन पैकेज एंड ओवर द टॉप एंड क्रिटिक्स यू कैन से जेम्स बॉन्ड इन द हुड मैट फ्रॉम रोजर मूवी एंड रिव्यू एग्री विथ मी स्टार्स एंड द कंटिन्यू विद द यू कैन से दिस स्टंट हैव ऑलवेज बीन विद यू कैन से एट
वन पॉइंट ऑफ द मूवी रोमन हेड फाइव का जस्ट बिहाइंड हिम शूटिंग ऑटोमेटिक। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी बट इट सीम्स लाइक टू कीपिंग गेटिंग यू कैन से वर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द आई हैव नाउ वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच इट। आपने यह मूवी कहाँ पर देखी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा और कौन सी कंट्री के अंदर आपने यह मूवी देखी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी दिस वॉज द माई फर्स्ट मूवी बैक इन द थिएटर्स इन 14 months फर्स्ट ऑन फायर इज नाइन एंड यू कैन सी इट इज़ ए वेरी गुड मूवी। सो इट इज़ ऑब्वियसली टू सी फास्ट एंड फ्यूरियस डू नॉट डू मूवी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार सीन्स एंड द टाइप्स ऑफ आई गेव द मूवी 5 स्टार और आपके अकॉर्डिंग इसको कितने क्या स्टार मिलने चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइए। आपके हमारे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 5 स्टार मिलने चाहिए जिस हिसाब से इसमें जो एक्शन सीन परफॉर्म किए गए हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस जस्ट कीप गेटिंग बेटर एवरी टाइम एंड इट इज़ आल्सो मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। और यह थैंक यू फॉर यू कैन से माई ओपिनियन वॉज माई रेटिंग इज 5 out of 5 एंड द डायरेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर इन दिस मूवी आर गुड। इट इज़ ए मैसिव वैन डीजल। तो ये वैन डीजल की सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है साल 2021 की। इससे पहले भी वैन डीजल ने 8 पार्टों के अंदर काम किया उसमें भी उसकी काफ़ी काबिल तारीफ एक्टिंग रही। वन ऑफ द हार्ड फ्रॉम मी टाइप ऑफ बिकॉज आई थॉट नो मैटर व्हाट दे एंड आई वॉच दिस लास्ट नाइट एंड यू आई लव गिव 5 out of 5 द विजुअल्स दे गिव दिस इज वर्जन इज ऑलमोस्ट बी बैड एज यू कैन से द बेस्ट फ्रेंचाइज एवर मेड। थैंक यू गाइज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं साथ ही इस मूवी के जो भी फैक्ट्स हैं सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारा जो चैनल है इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार के ऑडियंस के रिव्यू के वीडियो हम आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करें इस मूवी की तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर रिलीज किया गया था। अब बात करें इस मूवी के अंदर कास्ट की तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको विन डीजल, जॉन सिन्हा और जॉर्डिना और इसके अंदर ट्राइस जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर आप लोगों को नजर आए हैं। वहीं बात की जाए इस मूवी के अंदर कैटेगरी की तो इस मूवी को साल 2021 के अंदर जो कैटेगरी मिली है वो मिली है एक्शन और एडवेंचर कैटेगरी की मिली है। 2 घंटे और 25 मिनट की यह मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, आपका भरपूर मनोरंजन करने वाली है। इसको 25 जून 2021 को यूएसए के अंदर रिलीज किया गया था तो इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई की है और सुपर डुपर हिट साबित हो चुकी है। इसको जो रेटिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उस मूवी को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। जैसे कि इसके पहले 8 पार्टों के अंदर इसको जो ऑडियंस का प्यार मिला है वैसा ही इसके 9वें पार्ट को भी वैसा ही प्यार में देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके क्रिटिक्स रिव्यू की तो क्रिटिक्स ने भी इसको भरपूर प्यार दिया है। वहीं इसके ऑडियंस रिव्यू ने इसको जमकर काफ़ी काबिले तारीफ, इसमें जो एक्शन सीन है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ हैं। वो तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जो 8वां पार्ट है जिसके बारे में इसके अंदर आपसे बात कर रहे हैं। जहाँ इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है IMDb पर और साथ ही इसकी जो क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी जो रेटिंग दी है काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिले हैं इसके अंदर। वहीं बात करें इसके अंदर जो एक्टिंग है साथ ही इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन है, सब कुछ आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। F9 मूवी जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट 9 है, इससे पहले के जो 8 पार्ट रिलीज हुए थे वो भी काफ़ी काबिल तारीफ है। आई कॉन्ट नॉट वेट टू वॉच द लेटेस्ट एंड मास्टरपीस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी दैट हैज डिफाइंड माई चाइल्डहुड। यू कैन से वार्निंग स्पॉयलर एंड यू कैन से द लेटेस्ट एंड द इंस्टॉलमेंट इन द फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी हैज़ फाइनली ब्रोकन द मोल्ड अगेन एंड अगेन सेटअप। फास्ट एंड फ्यूरियस सागा नेवर डिसअपॉइंटेड एनी हु वॉचेज इट एज इट्स नॉट जस्ट सम एक्शन फेल्ड सागा, इट्स श्योर प्रोवाइड द पावर ऑफ द फैमिली एंड हाउ यू कैन से इट डिजर्व्स वन रियली आई हैव वॉच द सिंस F1 एंड द सीरियस जस्ट गेट मोर रिडिकुलस एवरी इंस्टॉलमेंट। सो मैनी पीपल वॉन्ट टू बी बियर ऑफ बैड न्यूज़, दिस मूवी वॉज वन ऑफ द माई फेवरेट।
क्या आपकी भी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी फेवरेट है तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। हु न्यू दैट द स्टोरी ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल स्ट्रीट रेसिंग एंड द स्टीलिंग स्मॉल एंड मटेरियल विल बी ए बिलियंस डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्टर। तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर काफ़ी काम किया है। आई एंड ए हेड एच ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी। आई हैव बीन वॉच द फर्स्ट मूवी सिंस आई वॉज द यंग। माई पेरेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट टू मी बट दिस मूवी शुड नॉट एग्जिस्ट। द मूवी फेल्ट क्यूज हु नेवर रोड दिस इज पुअर। यू कैन से इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। फास्ट एंड फ्यूरियस वॉचिंग एक्शन मूवी हैज़ ऑलवेज बीन द थिंग्स ऑफ द जॉय ऑफ मी। इट हैज़ बीन द मेन ऑफ मूवी अवे फ्रॉम द रियलिटी बेस एंड ऑन द काइंड ऑफ द स्ट्रेस पीपल हु गो थ्रू इन द कंट्री। यू कैन से वेल दिस प्रीटी मच एंड यू कैन से आई एक्सपेक्टेड इट हैज़ बीन वेरी। आई हैव बीन नोबडी नेवर वॉच दिस मूवी क्योज दे वर रियलिस्टिक एंड इफ यू वॉन्ट इट अर्ली इन द रियल कार यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9। द फास्ट सागा इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म। आपको लेकर यह मूवी कैसी लगी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वेल फर्स्टली दिस इज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड हु इज एंड यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस फैन फ्रॉम द फर्स्ट रिलीज अंटिल नाउ दिस इज द फर्स्ट डिसअपॉइंटेड। यू कैन से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म इन द मूवी हिस्ट्री और एवरी सीन्स इन द ड्रॉन द टाइम एवरी वन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हैज़ बीन लुकिंग फॉर द एंटरटेनमेंट दिस यू कैन से आई हैव बीन honestly it was the most people have come the expect from the first franchise you can say, I am a fan the family of the setting the love for the each every I love Fast and Furious 9 really I don't know what to say that was the most or you can say I was very happy to see this type of movie when I saw the trailer 1K physics and the logic you can say This movie is definitely the good movie and of year 2020-21. I have been a big fan of the franchise since the beginning and you can together into the watch movie. There is the certainty and a talent for the list. Some you can say actor, actress to have the great cast and I felt times like the talent was walking the well-worn path and then maybe that the problem action the comfortable to us the family. Hopeful someone is paying attention. First of Fast and Furious is the one of the best film of the series. Talking about F9, this is the fabulous movie to watch. The really amazing direction, story, visuals, effect, car, and the most appreciate things a family high can come back with the biggest thrill. तो जल्द ही इस मूवी का जो 10 पार्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस मूवी को जो ऑडियंस लेकर क्या प्रतिक्रिया रही वो इसी वीडियो के अंदर हम आपसे साझा की है। और अगर आप किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के पहले के रिव्यू जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस 9 के साथ साथ दूसरों को वीडियो को भी कवर करने की कोशिश की जाएगा। देख सकते हैं मूवी नेम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 द सागा एंड यू कैन द थिएटर्स और यू कैन से एक्शन रेसिंग थ्रिलर। इसकी जो रेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रेटिंग है। वेल वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी विथ द मिक्सड रिएक्शंस। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस मूवी इन टू नो हिस्ट्री ऑफ द वॉचिंग प्रीवियस मूवी एंड यू कैन से इट इज़ वेरी गुड मूवी। और इस पर वीडियो से पहले हमने भी और भी मूवी से रिलेटेड वीडियो की इसके अंदर आप लोगों से कवर करने की कोशिश की है, जिनका जाकर आप लुत्फ उठा सकते। ओके सो यू कैन कुड एक्सपेक्ट लग्जरी कार्स बिंग्स एंड यू कैन से आई पर्सनली लव हाउ एक्शन पैकेज एंड ओवर द टॉप एंड क्रिटिक्स यू कैन से जेम्स बॉन्ड इन द हुड मैट फ्रॉम रोजर मूवी एंड रिव्यू एग्री विथ मी स्टार्स एंड द कंटिन्यू विद द यू कैन से दिस स्टंट हैव ऑलवेज बीन विद यू कैन से एट वन पॉइंट ऑफ द मूवी रोमन हैड 5 गाइस जस्ट बिहाइंड हिम शूटिंग ऑटोमेटिक। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी बट इट सीम्स लाइक कीपिंग गेटिंग यू कैन से वर्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द आई हैव नाउ वेंट टू द थिएटर्स टू वॉच इट। आपने यह मूवी कहाँ पर देखी वो आप हमें ज़रूर बताइएगा और कौन सी कंट्री के अंदर आपने यह मूवी देखी। आई एम ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइजी दिस वॉज द माई फर्स्ट मूवी बैक इन द थिएटर्स इन 14 मंथ्स फर्स्ट ऑन फाइव इज 9 एंड यू कैन सी इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। सो इट इज़
ऑब्वियसली टू सी फास्ट एंड फ्यूरियस डू नॉट डू मूवी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार सीन्स एंड द टाइप्स ऑफ आई गेव द मूवी 5 स्टार। और आपके अकॉर्डिंग इसको कितने क्या स्टार मिलने चाहिए वो आप हमें ज़रूर बताइए। आपके हमारे हिसाब से इस मूवी को 5 में से 5 स्टार मिलने चाहिए। जिस हिसाब से इसमें जो एक्शन सीन परफॉर्म किए गए हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस जस्ट कीप गेटिंग बेटर एवरी टाइम एंड इट इज़ ऑल्सो मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। और यह थैंक यू फुल यू कैन से माई ओपिनियन वॉज माई रेटिंग इज़ 5 out of 5 एंड द डायरेक्शन एंड ऑल थिंग्स आर इन दिस मूवी आर गुड। इट इज़ ए मैसिव वैन डीजल। तो ये वैन डीजल की सुपर डुपर हिट मूवी साबित हो चुकी है साल 2021 की। इससे पहले भी वैन डीजल ने 8 पार्टों के अंदर काम किया, उसमें भी उसकी काफ़ी काबिले तारीफ एक्टिंग रही। वन ऑफ द हार्ड फ्रॉम मी टाइप ऑफ बिकॉज आई थॉट नो मैटर वाट दे एंड आई वॉच दिस लास्ट नाइट एंड यू आई लव गिव 5 out of 5 द विजुअल्स दे गिव दिस इज वर्जन इज ऑलमोस्ट बी बैड एज यू कैन से द बेस्ट फ्रेंचाइजी एवर मेड। थैंक यू गाइज।